राष्ट्रपति गो ब्राह्मण प्रतिपालने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। राजनपत राजा महाराजा धराज अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की। जगत गुरु गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की। जगत गुरु गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज की। गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज की। गोस्वामी श्री हरि राय जी प्राण प्यारे की। गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी प्राण प्यारे की। ब्रिज नानंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री करु काला वाला। ब्रिज नानंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री जी करु काला वाला। श्री जी आविनती मारी श्री जी आविनती मारी श्री जी आविनती मारी कर जो स्वीकार जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। संगे शोभे रूड़ा संगे शोभे रूड़ा संगे शोभे रूड़ा श्री यमुना मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। आप श्री मंच को सुशोभित कर चुके हैं। हमारे आकोला मंडल की बहनें सुशीला बहन कोठारी अपने संगठन सहित यहाँ पधारें और आप श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाथ जाली चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। संगे शोभे रूड़ा संगे शोभे रूड़ा संगे शोभे रूड़ा श्री यमुना मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी। आंगन उत्सव बनी आवो श्री नाथ जी।
हेलो बोलो वल्लभाधीश की। प्रिय बंधु वैष्णव बंधुओं, आज भागवत कथा अंतिम विराम की ओर, कल गुलाल कुंड पर होली महोत्सव का आनंद हम लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है गुजराती में कि भूतल भक्ति पदारत मोटो ब्रह्म लोक में नाए और नित ओछव ने हरिजुनी सेवा निर्ख्यानंद कुमार। तो इस प्रकार से नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार और सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार, तो यहाँ तो ठाकुर जी की नित्य लीला है और श्री वल्लभ के सानिध्य में सदाई उत्सव ही उत्सव है। स्वस्ति श्री मद्वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती विल्वमंगलाचार्यार्पित साम्राज्य सिंहासनादिरूढ़ जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य जी की, जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य जी की। सोने की छड़ी, रूपे की मसाल, जरियन के जामा, मुतियन की माल, ब्रज के अधिपति, गोकुल के छत्रपति, गो ब्राह्मण प्रतिपाल ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा, राजन पत राजा महाराजा धीराज अखंड भूमंडलाचार्य गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज की, गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज की। श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। आपके स्वागत के लिए सूरत से पधारे हुए आपके कृपा पात्र मनसुख भाई सूतरिया को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनसुख भाई आप बड़े कृपा पात्र सेवा भावी हैं। चिमन भाई फलदू मोरवी भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। श्रीवल्लभाधीश की, आप भी आप श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। चिमन भाई फलदू शिवल्लभाधीश की।
स्वागत वंदन अभिनंदन की ये बेला अब अंतिम विराम लेती है। प्रिय वैष्णवों, हमने इस प्रजानंद महोत्सव में बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ उत्सवों का आनंद लिया और आज श्री भागवत कथांतर्गत श्री सुबोधिनी जी के ऊपर ये जो प्रजानंद महोत्सव में आप श्री के मुखारविंद से हम कथामृत रस का पान कर रहे थे, आज वो अंतिम चरण पर है और अब आप श्री के श्री चरणों में मैं निवेदन करूंगा इन शब्दों के साथ कि आपके दीदार के काबिल कहाँ हमारी नज़र है, आपके दीदार के काबिल कहाँ हमारी नज़र है, ये तो आपकी रहमत है जो आपका रुख इधर है, ये तो आपकी रहमत है जो आपका रुख इधर है। बोल वल्लभाधीश की। वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे
यत् क्रीडति यो यतः बर्हावीरं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशम् रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गी सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तरगतं संश्लिष्टावभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभि सदा यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे 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 बज धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे बज धीरे धीरे श्री यमुना
जे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे की डाल पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला पड़ो है कदम की डाल पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे
झूला पड़ो है राधा और मोहन झूले धीरे धीरे राधा और मोहन चले धीरे धीरे झूले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे झूले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे सब आए शरण तिहारे हम सब आए शरण तिहारी हम सब आए चरण तिहारी हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे हमको भी दर्शन को भी दर्शन मिले धीरे 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 श्री यमुना के तीरे मिले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे तेरी बंसी बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे गाना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे गाना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे हम सब आए शरण तिहारी 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 हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ काना तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे काना 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 तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे 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 बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे
बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वप्रथम श्री गिरिराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं एवं जिनकी सर्वाध्यक्षता में ये ब्रजानंद महोत्सव का परमानंद हम सब जने प्राप्त कर रहे हैं ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दादाजी आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं जिनकी कृपा से जिनके सानिध्य में जिनके मार्गदर्शन में यह ब्रजानंद महोत्सव का लाभ सब जने प्राप्त कर पा रहे हैं ऐसे परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण आप श्री के चरणों में वंदन समुपस्थित सजातीय वृंद आदरणीय भूदेवगण एवं श्री यमुना जी एवं श्री गिरिराज जी कुंडवारा के सर्व मनोरथी वैष्णव परिवारजन और सविशेष सबसे अधिक लाभ ले रहे आप सब महदभाग्यशाली वैष्णव वृंद आयोजन के मनोरथी कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम हो उसमें धन बल चाहिए तन बल चाहिए तभी जाके कार्य फलीभूत होता है यह कार्यक्रम में जिसका देवी द्रव्य अलौकिक धन का कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी व्यवस्था जमाना वो कार्यशक्ति वो प्रेरणा किसी और की लेकिन सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो तो आप सब जने हैं यह ब्रजवास यह श्री गिरिराज जी की तरेटी का मंगल सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है यानी आप सब यह नौ दिवसीय यात्रा में ब्रजानंद महोत्सव में जुड़े हुए सर्व बड़भागी वैष्णव वृंद बड़े आनंद प्रसन्नता का विषय है आज श्री गिरिराज बाबा की कृपा से आप श्री का सुंदर पूजन श्री गोवर्धन पूजा का लाभ हम सब ने साथ में मिलके लिया और सर्व हम सब के मनोरथ स्वरूप जो कुछ रंचक सामग्री हम आपसे को अंगीकार करवा पाए श्री गिरिराज जी ने श्रीजी बाबा ने श्री नवनीत प्रिया जी पूरी उनकी मंडली सब साथ में बड़े प्रसन्नता से उस सामग्री का आपने अंगीकार किया विनियोग किया ये आपसी की कृपा है हम पर
साथ ही साथ आज ये ब्रजानन महोत्सव सृष्टि का पोषण होता है, जनकत्व चलता है, तो फिर वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, ये जो हमारी सनातन संस्कृति के जो आधारभूत जो ग्रंथ हैं, वेदाः कृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि समाधिभाषा व्यासश्च प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। जब भी बात को प्रमाणित करने की बात हो तो वो ये चार ग्रंथों के द्वारा ही बात सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है। तो वेद क्या कहते हैं? यतो वा इमानि जातं जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभि संविशन्ति। यतो वा इमानि जायन्ति येन जायन्ति जीवन्ति, जिससे पूरे इस जगत का निर्माण होता है, जो इस जगत में स्थित बनकर इस जगत को रखता है और जिसका जिस जगत का जिसमें लय हो जाता है, ऐसे पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। भागवत भी कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि विश्व की उत्पत्ति करने वाला कौन है? तो श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण ही इस जगत को प्रकट करते हैं, इसको पोषित करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका लय करते हैं। और श्रुति कहती है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, पर ब्रह्म तो केवल एक ही है, दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं। तो इस सृष्टि का जनकत्व, इस सृष्टि को पोषण देने वाले कौन है? श्री कृष्णाय पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, वही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहद। श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, व्यास जी ने भी कहा, जहां अवतारों का वर्णन आते हैं व्यास जी स्वयं कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी स्वयं है जो सब अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान तो एक ही ब्रह्म है और शास्त्र कहता है कि वही कृष्ण इस सृष्टि का जनकत्व पोषण करते हैं। और नंदराय जी क्या कह रहे हैं कि इंद्र भगवान है और उसकी कृपा से ये वृष्टि हो रही है और सृष्टि का जनकत्व चल रहा है। तो वेद से विरोध हुआ कि नहीं है यज्ञ? यानी ये यज्ञ वैदिक नहीं है। इंद्र को भगवान की दूती अनुचर मानकर उसकी पूजा की जाती, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र को ही भगवान मानकर ये यज्ञ किया गया, इसलिए श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये यज्ञ का विरोध करना परम आवश्यक था। वेद धर्म प्रतिपादन करना ये परम आवश्यक था, इसलिए भगवान कहते हैं, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि मेघ वो दो प्रकार के हैं, एक गर्जनात्मक हैं और दूसरे हैं वृष्टिकर्ता। गर्जन करने वाले शब्दात्मक मेघ वह तो इंद्र के अनुचर हैं और वृष्टिकर्ता जो मेघ हैं वह श्री कृष्ण के अनुचर हैं, यानी सृष्टि के पालन पोषण कर्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इन ब्रजवासियों के अज्ञान को दूर करने के लिए करता है, उसे सबको सुख मिलता है, हमारे जीवन में सुख आता है। तो मुझे ये बताइए तो फिर कर्म का क्या मतलब रह जाएगा? पिताजी अपने जीवन में आता और अपने जीवन में आता सुख और दुख, ये तो हमको हमारे कर्म के आधार पर मिलता है। जो इंद्र ही सुख दुख देगा तो फिर कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बड़ा सुंदर वहां पे भगवान ने कर्म का उपदेश दिया, हमारे जीवन में आता सुख दुख वो हमारे कर्म के आधार पर ही मिलता है। याद रखिए, जब हम अपने दुख और सुख के कारण अन्य किसी को मान लें, वही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। इसके वजह से मुझे दुख हुआ, इसके वजह से मुझे सुख होगा, ये हमारी सोच, ये अज्ञान है। वास्तव में सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम् करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रो प्रथितो हि लोकः। हम सब अपने स्वकर्म के सूत्रों से बंधे हुए हैं,
यानी सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई उसका दाता नहीं है। स्वकर्म सूत्र परो ददादिति कुबुद्धि, ये तो कुबुद्धि है कि इसके द्वारा मुझे सुख आया, इसके द्वारा मुझे दुख आया। वास्तव में स्वकर्म सूत्र, हम अपने कर्म से बंधे हुए हैं और हमारे जीवन में आता सुख और दुख वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिंदगी शी चीज छे गावो तो ए गीत छे, सुख मले के दुख मले कर्मनी ये रीत छे। जिंदगी शी चीज छे गावो तो ए गीत छे, जिंदगी शी चीज छे गावो तो ए गीत छे, सुख मले के दुख मले कर्मनी ये रीत छे। जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुज मन मीत छे, अंध थई ना चालशो राह वच्चे भीत छे। बेखबर ने तो हवे मौत थी पण प्रीत छे। जिंदगी शी चीज छे गावो तो ए गीत छे, तो सुख मले दुख मले कर्मनी ये रीत छे। आपने बधाने आपड़ा कर्म अनुसार प्रियजनों जीवन में सुख अने दुख नो अनुभव थाय छे। पिताजी अपने जीवन में आता सुख ये हमारे कर्म से हमें प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर यहाँ ये कर्म का उपदेश। बाबा अपन तो ग्वाल बाल हैं, गायों को चराने वाले, गायों की सेवा कर रहे थे कि इंद्र भगवान हैं और जो उसके हक की नहीं थी वो आहुति को इंद्र ने स्वीकार की स्वयं के लिए, इसलिए उसको निषेध भाग भोक्ता कहा गया क्योंकि वो आहुति उसके लिए थी नहीं। वास्तव में जगत के पालन करने वाले तो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, तो इसने उस आहुति को स्वीकार किया इसलिए इसको असमर्पित दोष बताया। तो समर्पण से ही जीवन निर्वाह करना चाहिए, असमर्पित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए क्योंकि भगवान ने इस जगत को अपनी लीला करने के लिए प्रकट किया है, यानी सर्व वस्तु ठाकुर जी की है। और जब उन वस्तुओं का हम सीधा सीधा भोग ले लेते हैं तो जीव को असमर्पित का दोष लगता है। जो आपके लिए प्रकट नहीं हुई चीजें उसको हम सीधे सीधे कैसे ले सकते हैं? जिस पे हमारा हक नहीं है उसका हम उपभोग कैसे कर सकते हैं? दोष है कि नहीं है, कहिए तो सही, हां कि ना? जिस पे अपना हक ना हो उसका उपभोग किया जा सकता है? दोष है कि नहीं? अब भोग करे बिना रह भी नहीं सकते हैं हम, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वृत्तियां हैं, उसके बिना रह भी नहीं सकते, तो फिर क्या निराकरण है? आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं श्री ठाकुर जी को अपने घर में पधराओ, सेव्य कराकर और सर्व वस्तु उनको समर्पण करो। समर्पण करने के बाद तुम उसका भोग लेते हो तो उसमें कोई अपराध नहीं है। जिसके लिए जिसने प्रकट की है सर्व पहले उसको निवेदन कर दिया जाए और फिर प्रसाद रूप में जब आप उसका भोग लेते हैं, प्रसाद रूप में उसका स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है और प्रसादी ग्रहण करने से भाव दृढ़ बनता है। सर्व वस्तु समर्पणम, घर सुंदर बनाया लेकिन उसमें ठाकुर जी विराजने की क्या व्यवस्था है? ठाकुर जी की सामग्री कहां होगी? ये आपके घर का समर्पण हुआ, रसोई बन रही है ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है कि नहीं? धन हम कमा रहे हैं लेकिन वो धन भगवत सेवा में उपयोगी है या नहीं? तो सर्व वस्तु समर्पणम, और जो आप वस्तु का समर्पण नहीं करोगे तो इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर साधारण जीव की क्या गति हो सकती है, इसका विचार आप स्वयं करें। तो असमर्पित से बचें। इंद्र ने कोप किया और उस समय सभी ब्रजवासी घबराए, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नार्थम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण हम तेरी शरण में हैं, तेने कही गोवर्धन पूजा करो, हमने गोवर्धन पूजा करी, अब देखिए इंद्र क्रोधित हो गया, अब तू बता क्या करें? चिंता मत करो, जिनकी अपन ने पूजा की है सब उनकी शरण में चलो।
सब ब्रजवासियों को लेकर, गाय वत्सों को लेकर श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के मुखारविंद पे आए और विनती करी, हे श्री गिरिराज बाबा, जो हमने प्रेम भाव से आपकी सेवा करी हो तो ये इंद्र के कोप से आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे छत्र बने। और देखते ही देखते भगवान ने मन में संकल्प लिया कि तस्मान शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहन गोपायै स्वात्म योगेन सोयम मे व्रत आहित। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और मैं ही इनका एकमात्र रक्षक हूँ, अतः मैं अपने योग से इनकी रक्षा करूंगा। शरणागत की रक्षा करना ये तो मेरा व्रत है, मेरा धर्म है। जो मेरी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना ये मेरा धर्म है। ये भाव विचार कर खेल ही खेल में श्री गिरिराज जी को अपनी भुजा पर उठा लिया और कहने लगे, देखो ये श्री गिरिराज बाबा अपनी छत्र बने, सब ब्रजवासी इनकी शरण में आ जाओ। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। शेष को आदेश दे दिया, चारों ओर से गिरिराज जी की ओर लपेट लिया कि जिससे जल अंदर न आ सके। सुदर्शन को छोड़ दिया, उसको आज्ञा दे दी, जहां जहां जल भर रहा है वो अपने तेज से उस जल को सुखाता जा रहा है। और यहाँ श्री गिरिराज जी की शरण में सब ब्रजवासी ठाकुर की ये गिरिराज गोवर्धन धारण लीला के दर्शन कर प्रभु के यश गान गा रहे हैं, प्रभु के लीला गान गा रहे हैं। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, तब गिरिवर नख पर धारे, तब गिरिवर नख पर धारे ब्रज की तो है। हो ब्रज की तो है लाज मुगुटवा, ब्रज की तो है, हो ब्रज की तो है लाज मुगुटवा, ब्रज की तो है, हो ब्रज की तो है लाज मुगुटवा, ब्रज की तो है लाज मुगुटवा। ब्रज की तो है लाज मुगटवारे, ब्रज की तो है। ओ प्यारे रसिया बाबा रे रसिया, हो प्यारे रसिया वाह वाह रे रसिया, ओ प्यारे रसिया बाबा रे रसिया, हो प्यारे रसिया वाह वाह रे रसिया, प्यारे प्यारे रसिया, ओ प्यारे प्यारे रसिया, छोटे छोटे रसिया, छोटे छोटे रसिया, ब्रज की तो है लाज मुगुटवारे, ब्रज की तो है, ओ ब्रज की तो है लाज मुगुटवारे, ब्रज की तो है। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, ध्यान धरत है, ध्यान धरत हो, ध्यान धरत है, ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो धरत है, ध्यान धरत नवलख तारे कान, ध्यान धरत नवलख तारे, ब्रज की तो है, ओ ब्रज की तो है लाज मुगुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुगुटवारे, ब्रज की तो है।
को पकियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने को पकियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने को पकियो ब्रज ऊपर, तब गिरिवर नख पर धारे राम, कब गिरिवर नख पर धारे गिरिवर नख पर धारे, ब्रज की तोहे हो ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे हारे ब्रज की तोहे, ब्रज की तोहे हारे ब्रज की तोहे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे छोटे रसिया, ओ प्यारे रसिया वावारे रसिया, ओ प्यारे रसिया वावारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, गाय गोप के रख ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ओ ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे लाज मुकुट वारे, ब्रज की तोहे ब्रज की तोहे
वारे ब्रज की तोय, ब्रज के तोय लाज मुगट वारे ब्रज की तोय, ब्रज की तोय लाज मुगट वारे ब्रज की तोय, ब्रज की तोय लाज मुगट वारे ब्रज की गाय गोप के रखवारे काना गाय गोप के रखवारे ब्रज की तोय ब्रज, ओ ब्रज की तोय लाज मुकुट वारे ब्रज की तोय। सभी ब्रजवासियों को भगवान के महा 6 दिन 7 दिन निकल गए। इंद्र को अपनी गलती समझ में आई, प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु ने भगवान अपि तत्तम शेलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। शिग्राज्य को अपने स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु अपने स्थान पर शिग्राज जी को पधरा दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए अभिषेक हेतु जहां पे ऐरावत ने आकाश गंगा का जल एकत्रित किया था वह ऐरावत कुंड, सुरभि ने दूध स्रवित किया वह सुरभि कुंड, तथा जहां पर अप्सराओं ने नृत्य किया वह अप्सरा कुंड, और भगवत आराधना में तल्लीन होकर ब्रजवासियों ने हरि नाम का उच्चारण किया वह हरिजी कुंड, तथा अभिषेक का जल जहां एकत्र हुआ वह गोविंद कुंड उससे निर्मित हुआ जहां आज हम गए थे। इंद्र आया, कामधेनु गाय को आगे रखा, डंडोती करते करते दूध से प्रभु का अभिषेक किया, और प्रभु का अभिषेक जिस दूध द्वारा हुआ और वह दूध जहां पर इकट्ठा हुआ वो गोविंद कुंड। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम द्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम, बड़ी अद्भुत भाव इंद्र ने प्रकट किए। श्री आचार्य श्री ने इस संदर्भ में ब्रह्म स्तुति एवं इंद्र स्तुति का समन्वय आपसे ने किया। देखिए ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की। इंद्र को मोह हुआ, इंद्र ने भगवान की स्तुति की। इंद्र ने जो स्तुति की प्रभु की उससे भगवान प्रदान उनको प्रदान किया। कारण इंद्र को ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ उसके चलते ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर ले गए, और इंद्र के मोह के चलते क्या हुआ, भगवान जिस हेतु से आप लीला करने के लिए पधारे हैं वो लीला कार्य करने में इंद्र ने सहयोग दिया, ऐसे ब्रज पे कोप किया कि जिसके चलते समस्त ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस ब्रज वैष्णव ब्रजवासी सब श्री ठाकुर जी की शरण में आ गए। और भगवान यही तो चाहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में तू आ जा। तो ये लीला कार्य करने में इंद्र ने सहयोग दिया। और दूसरा भी एक भाव बताते हैं विद्वान लोग की नाना प्रकार की सामग्री श्री गिरिराज जी को धराई गई, लेकिन वहां पर जल सेवा करना भूल गए, तो ये इंद्र ने ऐसी वृष्टि करी, कोप किया, उसने जल सेवा ही की है, तो उसकी सेवा से आप प्रभु प्रसन्न हुए, इंद्र को क्षमा किया। प्रभु आपने ये लीला मेरे जैसे जो मदाधिकार जो जीव हैं, ये मद्विदाज्ञा जगदीश मानिनम, जो अपने आप को जगदीश मानने लग जाते हैं, जो अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं कि मैं ही करने वाला हूं, ऐसे मदांध लोगों के लिए ही ये आपकी ये गोवर्धन लीला है कि सब कुछ करने वाले सर्व सामर्थ्यवान तो प्रभु आप हैं। जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, उस प्रकार से प्रभु आपने मुझे दंड नहीं, क्योंकि दंड वो तो क्रोध के चलते आता है,
किसी को क्रोध हो तो वो क्रोध में किसी को दंड देता है, लेकिन इंद्र कहता है प्रभु आपका ये दंड नहीं है, आपका तो ये कृपा है, आपकी तो ये शिक्षा है, क्योंकि आपको क्रोध आ ही नहीं सकता है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आप तो प्रभु विशुद्ध स्वरूप हैं, सत्वरज तम से आप परे हैं, तो आपका ये दंड नहीं, आपकी ये शिक्षा है। जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को, उसी प्रकार से प्रभु आपने ये शिक्षार्थ ये लीला करी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी कि मूल से ही मेरे अभिमान को जड़ से नष्ट कर दिया, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। इंद्र ने प्रभु की शरणागति स्वीकारी। फिर यशोदा जी ने प्रभु की भुजाओं का पूजन किया और यह गोवर्धन उत्सव के द्वारा सब ब्रजवासियों को अनन्याश्रय सिद्ध हुआ। 7 दिन क्यों शिखिराज धारण किया उसका भी श्री आचार्य चरण ने भाव बताया, क्योंकि 7 जगहों पर जीव आसक्त होता है, अपनी देह में आसक्ति रखता है, अपने कर्म में आसक्ति रखता है, अपने प्रारब्ध पे, अपने पितृओं पर, अपने पुत्र पर, यज्ञ आदि कर्म पर। तो इस प्रकार से 7 जगहों पर हमारी आसक्ति होती है, इसलिए आपने 7 दिन शिखिराज धारण किया। और एक दूसरा भाव भी आपसी आज्ञा करते हैं कि शरणागति के 6 लक्षण 6 धर्म हैं। जब ये शरणागति के 6 धर्म जीव के अंदर आते हैं तो 7वें धर्मी स्वरूप श्री कृष्ण की उसको प्राप्ति होती है, इसलिए 7 दिन शिखिराज धारण किया। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसर्जनम्। शरणागति का प्रथम लक्षण, प्रथम धर्म है प्रभु के अनुकूल बन के रहना। शरणागति का दूसरा धर्म है प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना। शरणागति का तीसरा लक्षण है रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान सर्वदा सर्वकाल में हमारी रक्षा करेंगे ही। रक्षिष्यति इति विश्वासः भर्तुत वेवरणम यथा, प्रभु को पसंद आए ऐसे गुणों को धारण करना, आत्मनिवेदन का भाव, और 6ठा है दैन्यता। ये 6 शरणागति के धर्म है, और जब ये 6 धर्म दीनता, दृढ़ विश्वास, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग आदि जब 6 धर्म जीव के अंदर आते हैं तो धर्मी स्वरूप से कृष्ण की उसको प्राप्ति होती है। तो इसलिए 7 दिवस आपने शिखिराज धारण किया। बोलिए शिखिराज धारण की जय। इसके पश्चात प्रियजनों अगले अध्याय में भगवान नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा कर लेकर आए और ब्रजवासियों को सुधाम का दर्शन कराया, उसका निरूपण किया गया। एकादश्याम निराहार समर्भ्यश्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलभाविषत्। वरुण के दूत नंदराय जी को उठाकर ले गए वरुण लोक में, और फिर भगवान जान गए बहुत देर तक अंदर आप डुबकी लगाने लेकिन बाहर पधारे ही नहीं, तो सब सखाओं ने प्रभु से विनती करी, फिर आप वरुण लोक पधारे और वहां पर नंद राय जी को छुड़ाने के लिए गए, तो प्रभु के दर्शन कर सब देवता वरुण आदि सब ठाकुर जी को दंडोत करने लगे, प्रभु का ऐसा ऐश्वर्य देखा। वरुण के मोह को दूर किया, नंद राय जी को पुनः नीचे पधरा कर लाए। समस्त ब्रजवासियों ने विनती करी कि हे प्रभु हम आपके स्वरूप को जान गए, हमने सुना है आपका बड़ा कोई विशिष्ट एक धाम है जिसके दर्शन जिसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, क्या वो वैकुंठ के दर्शन हम कर सकते हैं? तुम्हें वैकुंठ के दर्शन करने हैं, तो कि हाँ चलो। अब सबको भगवान वैकुंठ धाम में ले गए, वहां पे गए, वैकुंठ का ऐश्वर्य आदि देखा, और वह देखकर ब्रजवासी कहने लगे प्रभु आपका ये वैकुंठ धाम देख लिया, चलो वापिस अब ब्रज में। अरे तुमको मैं सीधा सीधा यहां वैकुंठ में लेकर आया, ये वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए कितने कितने जीव साधन करते हैं, तुमको तो सीधी मैंने तत्काल रिजर्वेशन करवा दिया और तुम कह रहे हो वापिस चलो, क्यों तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगा मेरा? नहीं नहीं आपका वैकुंठ अच्छा, ऐसा हम कैसे कह सकते, बड़ा अच्छा है लेकिन अपने ब्रज जैसा नहीं है, क्यों तुमको भैया क्या कमी लगी यहां पे बताओ तो कमी पूरी कर दी जाएगी। कमी का कहें प्रभु, हमने एक बात देख ली यहाँ पे, ये थोड़े समय वैकुंठ में रह करके, कि यहाँ वैकुंठ में तो
हमको आपके अधीन बन के रहना पड़ेगा और ब्रज में तो तुम हमारे अधीन बन के रहो हो। एक और बात हमने जान ली कि वैकुंठ में तो तुम्हारे बनाए हुए नियम पर हमको चलना पड़ेगा, लेकिन ब्रज में तो तुम हमारे नियम पे चलो हो। या लिए प्रभु चलो वापिस ब्रज में। ब्रज वालो रे वैकुंठ न आऊ, वैष्णव ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, अन्य कोई वस्तु है वैष्णव नहीं चाहता। ब्रजवास, ब्रज की प्राप्ति, ब्रज रज की प्राप्ति हो। वृंदावन वैकुंठ दोउ तोले हरिदास, भारी सो धरती रहो हल्को गयो आकाश। तो धन्य है ऐसी ब्रजभूमि, यह ब्रजभूमि को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रियजनों आइए हम सब अब तामस फल प्रकरण में प्रवेश करते हैं। नामृत हुए थे तो आपसी ने आज्ञा करी थी कि कथा की पूर्णाहुति है, फल का दिवस है, और ये जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं ये फल प्रकरण कहा जाता है। तामस फल, प्रमाण प्रमेय साधन और फल, आपको याद होगा पूर्व में कथा के प्रारंभ में शायद प्रथम दिन ही इस विषय पर चर्चा हुई थी कि पुष्टि मार्ग के दो फल हैं, एक तो नंदोत्सव का आनंद और दूसरा है रास में प्रवेश। तो यह रास लीला तामस फल प्रकरण अंतर्गत ही बताई गई। फल प्रकरण में रास पंचाध्यायी आता है। देखिए थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी के साथ यह रास पंचाध्याय की और विशेष भाव के साथ इस ठाकुर जी की रास पंचाध्याय की जो लीला है और आचार्य चरण जो इस पे भावार्थ गुणार्थ जो प्रकट कर रहे हैं उसको साथ में हम समझने का प्रयास करेंगे। आपसी आज्ञा कर रहे हैं कि गोवर्धन लीला में भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन भगवान ने ब्रजवासियों को कराए, यह रास लीला में भगवान के माधुर्य भाव के दर्शन होंगे। आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं कि गोवर्धन लीला और रास लीला ये दोनों का, दोनों लीलाओं का आपस में संबंध है। गोवर्धन लीला में प्रभु ने बाहर से भाव की रक्षा की और रास लीला में भगवान भीतर से भाव की रक्षा करते हैं। गोवर्धन लीला में गोपनीय लीला का भीतर दर्शन कराया और रास लीला में उन गोपनीय लीलाओं को ब्रज भक्तों के लिए भगवान ने बाहर प्रकट किया। तो आपसे आज्ञा कर रहे हैं यह संबंध है दोनों लीलाओं का। गोवर्धन लीला और रास का संबंध होने के कारण ही हमारे जो श्री ठाकुर जी, हमारे जो सबके मूल इष्ट के जब हम दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी के, तो वह आप नृत्य मुद्रा में दिखाई देते हैं, नृत्य मुद्रा में आपके दर्शन होते हैं। अब वो श्री जी बाबा जो हम सबके प्रधान, हमारे सबके इष्ट आराध्य, आप हम जब उनके दर्शन करते हैं तो उसमें दो भाव है, एक तो गोवर्धन लीला का भी भाव है और रास की मुद्रा का भी भाव। अतः आपसी आज्ञा कर रहे हैं कि गोवर्धन लीला और रास लीला दोनों का आपस में संबंध है। श्रुति कहती है रसो वही सह, रस वही परमात्मा है और परमात्मा वही रस है। रस अर्थात आनंद, आनंद यानी प्रेम, प्रेम में और भगवान में एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रेम कहो या कृष्ण कहो, कृष्ण कहो या प्रेम कहो, इसीलिए कहा गया कि प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय में लसे ज्यों सूरज और धूप। जैसे सूर्य और उसकी किरणें तथा जल और उसकी तरंगे दोनों भिन्न नहीं होती हैं, वैसे ही प्रेम और श्री कृष्ण भी दोनों भिन्न तत्व नहीं है। भगवान प्रेम स्वरूप एवं रस रूप हैं, अतः वे अपने स्वभाव अनुसार भक्त से प्रगाढ़ता रखते हैं, क्योंकि प्रेम आपका स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव ही है कि बढ़ना, प्रेम सदा बढ़िवो करे ज्यो शशि कला निमेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है लेकिन पूर्णमासी के बाद चंद्र कला घटने लगती है,
लेकिन प्रेम चंद्रमा की पूर्णमासी तो कभी आती ही नहीं है, वो तो निरंतर बढ़ती रहती है। यह प्रेम निरंतर सदा बढ़ता रहता है। प्रेम का वर्धन कैसे होता है तो प्रेम रथ के देखिए दो पहिए हैं, श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं। प्रेम की वृद्धि कैसे होती है तो उसके दो अंग हैं, एक है संयोग और दूसरा है वियोग। और ये जो संयोग और वियोग, इसका अनुभव अकेले हो नहीं सकता। संयोग में मिलन होता है, वियोग में विछोह होता है, और ये दोनों बातें अकेले संभव है ही नहीं। कोई अकेला अकेला संयोग और वियोग का क्या अनुभव कर सकता है? इसलिए श्रुति ने कहा, स एकाकी न रमति एको हम बहुश्याम। आप अकेले रमण नहीं कर सकते, आप अपने रहा हुआ जो आनंद उसका अनुभव स्वतः नहीं कर सकते, इसलिए आपको एको हम बहुश्याम, एक में से अनेक होने की इच्छा हुई। पहले एक से दो हुए और फिर आप दो से अनेक हुए। एक से दो कैसे? रस रूप परमात्मा श्री कृष्ण ही एक स्वरूप में दो हो गए, अर्थात एक प्रेमी और दूसरा प्रेमास्पद। और देखिए ये दोनों की लीला नित्य चल रही है, लेकिन फिर भी आज तक दोनों की लीला में पूर्ण नहीं हुई, दोनों की लीला निरंतर चल रही है। ऐसा अनुभव है, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, परस्पर दोऊ चकोर दोऊ चंदा। दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा भी हैं, और प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों आपस में मिले, निरंतर लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिले से नहीं मिले, ऐसा अनुभव है। हमारे संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय की यह मान्यता है कि जब दोनों स्वरूप प्रकट हुए तो श्री कृष्ण ने दर्शन किया श्री राधा का, और श्री राधा जी ने दर्शन किया श्री कृष्ण का। दोनों के दर्शन एक दूसरे से, जब एक दूसरे के दोनों ने दर्शन किए, उसी समय दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति दैन्य भाव जागृत हुआ। श्री राधा बोली, आप मेरे स्वामी हैं, और भगवान बोले कि आप मेरे स्वामिनी हैं। प्रिया प्रीतम दोनों में जब दैन्य भाव का प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उस समय अष्टाक्षर महामंत्र प्रकट हो गया। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, यह उच्चारित हुआ। भगवान ने कहा, श्री यानी हे राधे, हे किशोरी, मैं कृष्ण तुम्हारी शरण में हूं। श्री राधा जी ने कहा, हे प्रियतम, मैं प्रिया तुम्हारी शरण में हूं। तो दोनों के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और हृदय की तापाग्नि उत्पन्न हुई और मिलने की चाह पैदा हुई। दोनों की तापाग्नि बाहर प्रकट होते ही जैसे ही आपस में मिली तो तृतीयात्मक स्वरूप प्रकट हुआ। वो तृतीयात्मक स्वरूप है हमारे श्री वल्लभ का। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। एक में से दो हुए और दोनों आपस में जो संयोग वियोग की नित्य लीला कर रहे हैं, जो दैन्य भाव प्रकट हुआ, ताप प्रकट हुआ, और वह ताप का अनुभव करने वाला यानी तृतीयात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। देखिए यह रासलीला के पांच अध्याय श्रीमद् भागवत के पांच प्राण के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूत गोपियों के साथ आलादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन पांच अध्यायों में विवेचित की गई है। श्री आचार्य चरण समझाते हैं, रास शब्द की निष्पत्ति रस शब्द से हुई है, और रस ये श्री कृष्ण का ही पर्यायवाचक शब्द है। अतः जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक आस्वाद और आस्वादक बनकर लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसी का नाम है रास। यह रासलीला में कोई साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है प्रियजनों, अपितु जीव एवं ब्रह्म के मिलन की विवेचना यहां पे की गई है। प्रायः गोपी शब्द जब के गोपियां रास में प्रवेश हुआ, गोपी शब्द सुनकर लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्री
उसके शरीर में दिखाई देने वाली गोपियों की यहाँ पे बात है, लेकिन श्री आचार्य चरण ने गोपी शब्द की अनेक व्याख्याएं की हैं, जो हमने पूर्व में भी देखी थी। गोपायति श्री कृष्णम इति गोपी को गो भी प्रबंती इति गोपी गोपन शिला वही गोप्यः, अर्थात गो यानी इंद्रिय, पी यानी पीना, यानी जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। तो वस्तुतः गोपी भाव की सिद्धि होने पर ही वासना का नाश होता है, और वासना का विनाश होने पर ही रास के प्रेम मार्ग में जीव को प्रवेश मिलता है। भगवत प्रेम मोह से भिन्न है प्रियजनों। मोह में सुख भोगने की इच्छा रहती है, कामना रहती है, लेकिन प्रेम मार्ग में प्रियतम के सर्व सुख के लिए सर्व त्याग जीव कर देता है। मोह जिसको है वो प्रेम मांगता है, और प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। मोह लेने का नाम है और प्रेम देने का नाम है। प्रेम सारी वासनाओं को नष्ट कर प्रतिकूल सारे विषयों में से इंद्रियों को हटाकर अनुकूल परमात्मा के प्रति अपने भावों को मोड़ देता है। गोपियों में श्री कृष्ण के दर्शन के बाद प्रेम जागृत हुआ। प्रेम का आरंभ ध्यान दीजिए द्वैत से होता है, किंतु प्रेम की समाप्ति अद्वैत में होती है, क्योंकि प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सबसे पहले प्रेम की अवस्था है तद विचारा अवस्था, प्रेम की दूसरी अवस्था है तन्मयता, प्रेम की तीसरी अवस्था, तीसरा लक्षण उसको कह सकते हैं तदाकारता, और प्रेम की चौथी अवस्था लक्षण है तद एकता। तद विचार अवस्था के साथ साथ जीव तन्मय होता जाता है, जिसको चेतस्तत हम कहते हैं, प्रवणम सेवा जो श्री आचार्य चरण ने बताई, और तन्मयता के बाद तदाकारता, और तदाकार के बाद तद एकता। ये प्रेम की अवस्था, यानी प्रेम का प्रारंभ द्वैत से, लेकिन प्रेम की समाप्ति अद्वैत में होती है। आरंभ में प्रेमी और प्रियतम दोनों अलग होते हैं, परंतु अतिशय प्रेम होने पर दोनों अलग नहीं रह सकते और मिटकर एक हो जाते हैं, तदाकारता। प्रेम का अर्थ है मैं मिटकर तू हो जाना, मैं का भान न रहना। गोपियों की यह स्थिति है, वे अब श्री कृष्ण के उनसे अलग नहीं रह सकती, तो उन रासलीला में गोपियां और श्री कृष्ण एक हो गए। कृष्ण रस को धारण करने वाली अनन्य भक्ति का नाम ही गोपी है प्रियजनों। श्री आचार्य श्री वल्लभ कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक् सातुर्ये विनिरूप्यते। लिए और भज अर्थात भज सेवायाम, सेवा के द्वारा भजनानंद का अनुभव जीव कर पाता है। ध्यान दीजिए तीन प्रकार के आनंद हैं, एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद और तीसरा है भजनानंद। सांसारिक प्रापंचिक वस्तुओं से जो आनंद मिलता है उसको विषयानंद कहा जाता है, जो क्षणिक है। उससे ऊपर एक है ब्रह्मा का आनंद, जो गणितानंद है, लेकिन उससे भी सब विशेष है पूर्ण आनंद, जो अगणितानंद है, परब्रह्म श्री कृष्ण में रहा हुआ जो आनंद, और उनकी सेवा करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। सर्वदा सर्वभाव से ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की सेवा करने से वो भजनानंद की प्राप्ति होती है। तो वह भजनानंद का अनुभव कराने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये पांच प्रकार से गोपियों के साथ रमण किया, इसलिए आपने रासलीला की। यह रास पंचाध्याय में रसात्मक भगवान के जो पांच रस रूप आदिदेविक है, उनके द्वारा पांच प्रकार से गोपी जनों के साथ आपने रमण किया।
इसलिए पंचाध्याय है। आत्मा से, मन से, प्राण से, इंद्रियों से और शरीर से। पंचाध्याय के पांच अध्याय, जिसका दूसरा कारण आचार्य चरण बताते हैं कि यह रास लीला भगवान की कामदेव के साथ किया हुआ युद्ध है। जिस प्रकार से वरुण को मोह हुआ, ब्रह्मा जी को, इंद्र आदि देवताओं को मोह हुआ, इस प्रकार से कामदेव के अंदर रहे हुए अहंकार मोह को दूर करने के लिए आपने उससे कहा कि चल तू मेरे मन को विचलित करके बता, युद्ध करते हैं, बता किले का युद्ध करना है या मैदान का युद्ध करना है। कामदेव कहता है प्रभु किले का युद्ध यानी कि किले का युद्ध यानी एक किले भवन में मैं ध्यान की मुद्रा में बैठ जाऊं और उस समय तू मेरे मन को विचलित करके बता, और मैदान का कि हजारों गोपियों के बीच में मैं रास लीला करूंगा उस समय तू मेरे मन को विचलित करके बता। कामदेव कहता है प्रभु ये किले का युद्ध रहने देते हैं, मैदान का युद्ध करते हैं। तो ये कामदेव के साथ भगवान का ये जो युद्ध यानी ये रास पंचाध्यायी पंच अध्याय, क्योंकि इसने पांच बाण छोड़े हैं भगवान पर, उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन, इसलिए रास पंचाध्याय। तो आइए रास पंचाध्याय में उसके प्रथम श्लोक के प्रियजनों हम दर्शन करें। भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने भी उन रात्रियों को देखकर, कौन सी रात्रि, जिन रात्रियों का वचन कात्यायनी के प्रसंग में कुमारिकाओं को दिया था, उन रात्रियों को आपने अपने मन से प्रकट किया। क्योंकि कोई भी कार्य करने की प्रवृत्ति तभी जीव करता है कि जब उसका मन हो। बोलू कहते ना गुजराती में, मन होए तो मांडवे जवाय। अहियां जो भगवान अपी अपना मन बनाए, इसलिए यहां पे भगवान अपी, भगवान ने भी जिन रात्रियों का वचन कात्यायनी के प्रसंग में दिया था, उन रात्रियों को अपने हृदय मंडल से, अपने ईष्ट यंग से प्रकट किया। यानी प्रकट होने वाली रात्रि भी कृष्ण है, वहां के वृक्ष, लता, पता सब कृष्णमय है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने मन किया और अपनी दृष्टि एक तो रात्रि पर के छह मास की हो गई, दूसरी दृष्टि वहां पे जो पुष्प, भगवान की दृष्टि पड़ते ही छह ऋतु के पुष्प खिल गए। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाहा, अब ऐसे मल्लिका यानी ये मोगरा आदि जो पुष्प हैं, ये तो उष्णकाल के होते हैं, शरद ऋतु में नहीं प्राप्त होते, सुलभ नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी तो सब ऋतु के पुष्प खिल गए। और तीसरी दृष्टि आपने उन गोपीजनों की ओर करी जिनको आपको बुलाना है, और आपने योग माया का आश्रय लिया। तड़ोड़ राजह ककुभ करेर मुखं प्राच्या विलिंपन दरुणे शतमयी सचर्षणी नाम उदगाच्छु जोयो मृजन प्रिया प्रियया इव दीर्घ दर्शन। यहां आलंबन गोपी है और उद्दीपन वृंदावन है और स्वयं रसराज श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार रस को जागृत करने वाली सर्व सामग्री तैयार कर भगवान रमण करने के लिए स्व आनंद के प्रकाशक मन को प्रकट किया। वृक्ष के नीचे आप ठाड़े हो गए। ललित त्रिभंगी दृशा में श्री आचार्य चरण बता रहे हैं कि ठाकुर जी रस रूप हैं, और जब रस से आप आप्लावित हो जाते हैं, उच्छलित रस जब हो जाता है, तब वह रस को अन्य जगह स्थापित करने के लिए, अन्य जीव को प्रदान करने के लिए आप ये ललित त्रिभंगी स्वरूप रूप धारण करते हैं। कि जैसे घड़े में से रस को बाहर निकालने के लिए घड़ा को टेढ़ा करते हैं, इसीलिए ये ललित त्रिभंगी स्वरूप से यहां चरणारविंद की आंटी लगाई, यहां पे कमर टेढ़ी करी
और यहाँ से मुखारविंद टेढ़ा कर और वेणु को अपने अधरों पर सजाकर दिव्य वेणु नाद किया। ऐसा वेणु नाद, वह नाद के साथ गीत में एक एक गोपियों का आंखें नेत्र बंद हैं। नेत्र बंद क्यों हैं? देखिए, सब गोपियां रास में नहीं आई, जिसका ध्यान द्वारा श्री ठाकुर जी ने स्मरण किया वही गोपी प्रभु के रास लीला में पहुंच सफाई। काम बीज बढ़ाने वाला, मिलन की आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला ऐसा प्रभु का वेणुनाद, और वह वेणुनाद सुनकर सभी गोपियां स्तब्ध हो गई। वेणु बजावत श्याम आज बन, वेणु बजावत श्याम, वेणु बजावत श्याम आज बन, वेणु बजावत श्याम, श्याम आज बन, वेणु बजावत श्याम, यह कह जाग्रत भई ब्रज गोपी, यह कह जाग्रत भई ब्रज गोपी, सुनत मधुर स्वर ग्राम, सुनत मधुर स्वर गान, वेणु बजावत श्याम आज बन, वेणु बजावत श्याम, वेणु बजावत श्याम आज बन, वेणु बजावत श्याम, वेणु
वेणु आज बन वेणु बजा
बजावत श्याम। निशम्य गीतं तननग्गवर्धनो व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं, गोपियों ने जो वेणुगीत सुना वह केवल ध्वनि नहीं, उसमें शब्द थे, क्योंकि गीत में शब्द होता है। भगवान एक एक गोपी के नाम लेकर पुकार रहे हैं, नेन्द्र मूर्ने हुए वेणुनाद हो रहा है। वह गीत, वह मुरली की ध्वनि कैसी थी? तदनंग वर्धनम, कृष्ण मिलन कामना को बढ़ाने वाली। कृष्ण मिलन की कामना तो जग चुकी थी, जिसे उद्दीपन करने के लिए भगवान ने मुरली में गीत गाया था, और जिसके नाद सुनकर जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। वह गीत सुनकर गोपियां लिम्पन्त्यः प्रभुजन्तोन्याञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यवस्थ वस्त्र भरणा, जैसे तैसे अलग अलग भाव वाली गोपियां हैं, एक में अंजन लगाया दूसरे में रह गया। ऐसी स्थिति में उल्टे पुल्टे कपड़े वस्त्र पहनकर जहां वेणुनाद हो रहा था, सब रात्रि के समय में वृंदावन में जा पहुंची। जब प्रभु ने नेत्र खोले तो हजारों गोपियां वहां पर सन्मुख खड़ी हुई। उनको देखकर भगवान ने विचित्र प्रकार के वचन कहे, जिससे गोपियों को शोक हुआ। स्वागतं वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः व्रजस्यानमयं कश्चित् वृतागमन कारणम्। यह आने का प्रयोजन क्या है? इनको आश्चर्य हुआ कि यही तो बुलाने वाले हैं, ये क्या हमारे प्रयोजन नहीं जानते? इन्होंने ही तो वचन दिया था। कोई ने आपड़े आमंत्रण आपी हुए ना, आपड़ा घरे आवी जाए रविवार ना दिवसे, ने पछी अरे तमे अचानक कहिया? अरे अचानक नहीं वाला, ते बोलायो छे, ते निमंत्रण आप्यु तो जमवानु। ओला मन में विचारे कि आजे तो घरे कई बनायु ने अहिया आश्चर्य शू थे खबर नहीं। यानी ये गोपियों को मन में शोक हुआ कि ये बुलाने वाले, भाव प्रकट करने वाले, कामना जागृत करने वाले ये हैं, और जब हम यहां पे आ गई हैं तो इस प्रकार के वचन। प्रेम की परिभाषा बड़ी अटपटी है प्रियजनों। प्रेम में दी हुई गाली तो मीठी लगती है, लेकिन प्रेम में दिया हुआ आदर सत्कार वो भक्तों को पसंद नहीं आता। यहां पे भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणी व, तुम्हारा प्रिय हो ऐसा मैं क्या कर सकता हूं? यहां आने का रात्रि के समय में प्रयोजन क्या है? क्या ब्रज में वापिस कोई विपत्ति आ गई है कि जिसकी रक्षार्थ तुम यहां पर आई हो, या किसी कामना के साथ यहां पर तुम आई हो? किम प्रयोजनम व्रतागमन कारणम। प्रभु के इस प्रकार के वचन को सुनकर गोपियों के हृदय में शोक हुआ। यहां पर ये जो गोपियों का और कृष्ण का ये जो संवाद है, और ये संवाद और इस पे आचार्य श्री वल्लभ ने सुबोधनी जी अंतर्गत जो भाव प्रकाश गुढ़ार्थ जो प्रकट किया है सुबोधनी जी में, अद्भुत भाव प्रियजनों, जिसका मैं यहां पे वर्णन करने जाऊं तो फिर समय काफी इसमें लग सकता है। आज हमारी वैसे एक कथा के क्रम नियम के अनुसार पूर्णाहुति का भी आज दिवस है। आज शिवराज जी की हमें परिक्रमा भी करनी है, उसका भी लाभ प्राप्त करना है। विस्तार तो बहुत है, मन भी मेरा बहुत है, लेकिन शायद शिवराज जी ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसा कभी अवसर आएगा तो यहीं पे तरेटे में 5 दिवस का रास पंचाध्याय की कथा करेंगे, रास पंचाध्याय, और उस समय इसका विस्तार करेंगे। ऐसी शिवराज जी की प्रेरणा हो रही है, आप किसी को भी हो जाए तो बता देना, तो आप सबके, हम दोनों के मनोरथ पूरे हो जाएंगे।
बरोबर सिमन भाई, क्योंकि मैं मन मेरा काफी है विस्तार, इतना सुंदर भाव श्री सुबोधनी जी में यहां पे प्रकाशित है। मैवम विभोर हति भवान गदितं नृशंसं सत्यं च सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारी शरण में आई हैं, सर्व विषयों का त्याग कर आई हैं। मन में जो कामना होती, तुम कह रहे हो ब्रज में कोई आपत्ति, अरे ब्रज से हमारा क्या संबंध। संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम, हम तो केवल और केवल आपके चरणारविंद में प्रीति करती हैं, तो अन्य कोई कामना के चलते हम यहां पर नहीं आई है। प्रभु आप यहां पे धर्म और धर्मी की चर्चा है, यहां पे रास पंचाध्याय के अंदर इसको प्रणय गीत भी कहा जाता है। मेवम विभुर हति भवान गदितं नृशंसं संत्यज सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। भक्त्या भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। यत्पत्यपत्य सुरदा मनुवृंतिरंगः स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्तं। अस्त्रेवमेत उपदेशपदे त्वयिषे पृष्टो भवांस्तनुभृतां किलबन् प्रभु आप ये जो धर्म का उपदेश दे रहे हो, घर में रात्रि में रहना और पति की सेवा करना, लेकिन ये सब धर्म धर्मी तक ही तो ले जाते हैं, और धर्मी स्वरूप जब आप हमारे साक्षात सामने खड़े हुए हैं, तो फिर वो धर्म का क्या मतलब जो धर्मी से दूर ले जाए। क्योंकि सभी धर्म, ये गृहस्थ आश्रम जो धर्म है प्रियजनों, ध्यान दीजिए गोपीजन जो यहां पे बताना चाह रही है, हम जो गृहस्थ आश्रम स्त्री रूप में, पति रूप में, पत्नी रूप में जो भी धर्म करते हैं, वास्तव में ये सब किए हुए धर्म उसका मूल लक्ष्य फल धर्मी है। जो वो धर्म ही आपको धर्मी में प्रतिबंध रूप में हो जाए, तो फिर वो धर्म का क्या मतलब। कई लोग ऐसे होते हैं, आप ये भी तो धर्म है ना, घर घर चलाना, घर संसार, पति पुत्र परिवार, गृहस्थ धर्म। भैया ये सब धर्म है, ठीक है, लेकिन ये सब धर्म तब तक ठीक है कि ये धर्मी तक ले जाते हो, और जो धर्मी तक आपका धर्म न ले जाए, तो फिर वो धर्म ही नहीं है। गोपियां उदाहरण देती हैं, जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा और उसकी रक्षा करने के लिए चार दीवारी बनाई जाती है, तो धर्म क्या है, उस चार दीवारी की रक्षा करना कि जिससे वो पौधा नष्ट न हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो दीवारी की ही रक्षा करते रहे और पौधा सूखता जाए। यानी हमारा जो प्रियजनों आत्मधर्म है, सेवा सत्संग, ये वो पौधा है, और वो हमारे आत्मधर्म की रक्षा करने के लिए, ये हमारा गृहस्थ आश्रम जगत को दिखाने के लिए, संसार में रहने के लिए, क्योंकि ये अपना मार्ग वैराग्य का नहीं है, ग्रह त्याग का नहीं है। तो वो चार दीवारी उसका, उसकी रक्षा करना वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ही हम लगे हुए रहें और पौधा सूखता जाए, तो वो चार दीवारी का क्या मतलब है। तो प्रभु आप धर्मी स्वरूप हैं, आज आप हमारे सन्मुख, हम आपके सन्मुख यहां पर उपस्थित हैं, और आप कह रहे हो घर जाओ, चित्तम सुखे न भवतापहतम गृहेषु यन निर्विशत कृत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदौ न चलतस्तव पाद मूलाद यामह कथम व्रजमथो करवाम किम वा। हम घर जाके किम किम क्या करेंगे, हमारे चित्त का हरण तो आपने कर लिया, ये हाथ पांव तो जड़ हो चुके हैं, यहां से हिल नहीं रहे, तो फिर ऐसी अवस्था में घर जाके करेंगे क्या। जब ठाकुर जी में प्रेम आसक्ति हो जाती है, तो ऐसी अवस्था आप घर जाके क्या करेंगे। सात आठ नौ दिन से हम भी यहाँ पे ब्रजानंद महोत्सव का आनंद ले रहे हैं प्रियजनों, सुबह से उठ के यात्रा बैठक के क्रम में पूरा दिन सुबह से रात कहाँ निकल जाता है, लेकिन अब जब कल यात्रा पूरी होगी, फिर कहीं मन में ये विचार तो आपको आएगा कि नहीं आएगा कि अब हम कल क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे।
ये 9 दिन शिगराज जी की कृपा से, शमनाथ जी की कृपा से, वल्लभ की कृपा से जो ब्रजवास मिला, ये जो सत्संग हमें मिला, शिगराज जी की तारीटी में, सानिध्य में, मध्यान्ह में भी भले कितनी धूप, लेकिन फिर भी आनंद ले रहे हैं सब वैष्णव। सुबह से यात्रा का क्रम, फिर कथा, फिर मनोरथ, पूरा दिन कहां निकल जाता है, एक के बाद वार, कौन सी तारीख पता नहीं चलती। हाँ, दिन ये 8वां, अब ये 9वां दिन ये पूर्णाहुति कल, तो मन में विचार तो अवश्य आएगा कि नहीं परसों अब पहुंच जाएंगे घर, फिर वापस इसको, इसका चिंतन, इसका स्मरण। जो ऐसा भाव जागृत हो जाए प्रिय जनों, प्रभु के विरह का एक अश्र बिंदु आंखों में से द्रवित हो जाए तो मानो प्रेम हो गया है। बाकी ये शरीर, ये देह तो ऐसा है, ठाकुर जी के विरह के अश्रु भी नहीं आते हैं। जो आनंद ब्रजानंद हमने प्राप्त किया, उसका अवगाहन, उसका चिंतन, उसको बांटेंगे। आज भी देखो, आज तक 18 में जब अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा थी, इतना अद्भुत आनंद लिया। आज कितने वर्ष हो गए, 3-4, 5 वर्ष, 4 वर्ष, लेकिन फिर भी आज उसका चिंतन नित्य प्रतिदिन वैष्णव नित्य करते हैं। जो जो यात्रा में आए थे करते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, जो जो आए थे यात्रा में, ज्यादातर लोग थे यहाँ पे, आज भी उस यात्रा का स्मरण चिंतन करते हैं, उसका अवगाहन हम करते हैं। यही तो फल है प्रियजनों, ये 9 दिवसीय यात्रा, और यहां से हम जाकर, यहां से हम जाएं तो ब्रज रज ब्रज भूमि को अपने हृदय में, शरीर में तो रज लगाई, लेकिन वो रज ब्रज की, रज ब्रज आनंद वो मन पे चढ़ना चाहिए। ब्रज या रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल रानी तेरो चिर जियो गोपाल। वो ब्रज रज ब्रजानंद हमारे हृदय से ऐसा ओतप्रोत हो जाए तो ये हमारी यात्रा फलीभूत है। और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रथम दिन ही पूज्य श्री दादाजी ने आज्ञा करी थी शिवना जी के तट पर मथुरा में कि आपको 9 दिन में अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। दादाजी ने कहा था कि मैं आपको अंतिम में पूछूंगा, दादाजी के एकवचन में मैं आपको पूछ रहा हूं, आनंद आया कि नहीं आया आपको, आपको आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। ये पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद है प्रियजनों, केवल और केवल पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद जो प्रथम दिन हमको प्राप्त हुए, और आप श्री की पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद के फल स्वरूप ये 9 दिवसीय ये ब्रजानंद महोत्सव का आनंद हम ये ले पाए, आनंद कर पाए, और इसका आनंद का नित्य इसका स्मरण चिंतन करेंगे, इसका अवगाहन करना, दूसरे वैष्णवों के साथ इस आनंद को बांटना। तुझ संगे कोई वैष्णव था तो तू वैष्णव साचो, हमको, हमने जो ब्रजानंद का आनंद लिया उसका आनंद और दूसरों के साथ बांटे, वो भी अगली बार यात्रा में आने के लिए तत्पर हो। हमारे सुशीला बहन ने, वो तो इतने तत्पर हैं, अभी हमने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो खुद ही कहते हैं जैसे 24 में 25 में यात्रा आपकी है ना, मैं इनकी पता नहीं, अब आप वैष्णव कह रहे हैं तो हो जाएगी, अभी हमने तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आप वैष्णव के हृदय में श्री वल्लभ प्रकट होकर आज्ञा कर रहे हैं तो अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी। आप सब वैष्णव का प्रेम होगा, साथ सहयोग होगा, तो अवश्य वो 84 कोस की यात्रा का पुनः आयोजन जब दादाजी आज्ञा करेंगे तो आगे अवश्य वो भी लाभ लेंगे ही, प्रतीक्षा में रहेंगे। लेकिन इस समय तक प्रतीक्षा, जैसे चातक प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार से प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि प्यास, प्रयास, प्रतीक्षा और प्रसाद, ये 4 सीढ़ियां हैं प्रेम की। सबसे पहले मिलन की प्यास, केवल प्यास से काम नहीं चलता, कुछ प्रयास, प्रयास के साथ प्रार्थना, जैसे गोपियों ने गोपी गीत में प्रार्थना की है ना, गोपी गीत जो गाया वो प्रार्थना, और फिर प्रार्थना के बाद फिर क्या, प्रतीक्षा। सभी गोपियां यमुना जी के तट पर रुरुदाह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा वन वन भटकती हुई, जब गोपियां ठाकुर जी के लीला का गान करती हुई तन्मय अवस्था, तदाकार अवस्था को प्राप्त हो गई,
वृक्ष वनस्पतियों से पूछा, लता पताओं से पूछा, प्रभगवद यशो गान गाए, वृंदावन के गुणानुवाद गाए, ठाकुर जी की अनेक लीला का गान गोपी गीत में 19 श्लोकों में 19 प्रकार की गोपियों ने अपने भाव के अनुसार किया और फिर अंत में प्रतीक्षा चलो श्री यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर रुरुदह सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा के हे सखी तेरी कृपा से ही उन्होंने हमको वचन दियो थो, अब तू ही हमको ठाकुर जी के दर्शन करवा। ठाकुर जी के मिलन में ठाकुर जी की विनती वह श्री यमुना जी को करी प्रतीक्षा, और जब ठाकुर जी ने देखा कि अब गोपियों के जो मैंने दर्शन नहीं दिए तो अब एक क्षण भी उनका देह टिक नहीं पाएगा, जब ऐसी अवस्था ठाकुर जी ने गोपियों की देखी तब आप उनके मध्य में तासाम आविरम छोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बर दरस्त्रग्वी साक्षात मन्मत मन्मत सुंदर पीताम्बर श्रृंगार धारण करके सुंदर श्रृंगार आभूषण आदि से अलंकृत होकर गोपियों के मंडल में आप प्रकट हो गए। सभी गोपियों ने श्री ठाकुर जी को घेर लिया, नाना प्रकार के प्रभु को प्रश्न पूछे और फिर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब श्री ठाकुर जी ने महारास का प्रारंभ किया, दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है, ऐसा मंडल तैयार हुआ और ये चंद सरोवर ये आदि वृंदावन ये धाम ये शिवराज की तरेटी यही भूमि पर आपने महारास के पांच प्रकार से रमण पांच प्रकार से भक्तों को आनंद दिया। प्रियजन ये रास ही ये फल है। आइए प्रियजनों आज ये पूर्णाहुति का दिन वह महारास जो गोपीजनों को प्राप्त हुआ उस रास की एक रंचक अनुभूति भी हमें हो जाए, कणिका भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। आज ये पूर्णाहुति महारास के साथ जो श्री ठाकुर जी ने वृंदावन धाम में ये शिगिराज की तरेटी में रास लीला करी उस रास विहार के साथ उस रास का आनंद के साथ हम आपकी कथा को पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। आज पूर्णाहुति का दिवस है, कुछ श्री दादाजी के आशीर्वाद वो भी हमें प्राप्त करने हैं और उसके पश्चात अन्य भी कार्यक्रम हैं। तो और जैसा कि मैंने कहा ये जो मेरा मनोरथ जो रास पंचाध्याय, क्योंकि मैंने कथा का काफी मैंने संक्षिप्त किया लेकिन शिगराज की ही प्रेरणा, यहाँ पे बैठा हूं आपकी ही प्रेरणा, ये आपसे मैं बता रहा हूं, ये मन की बात जो अनुभूति मुझे हुई कि भाई अभी संक्षिप्त मत कर, आगे कभी मौका मिले तो विस्तार से आपको वर्णन करियो, संक्षिप्त करेगा तो आनंद नहीं आएगा, ये आपकी प्रेरणा, ये मेरे मन की बात ही है। वैसे तो वो बात ज्यादा करनी नहीं चाहिए लेकिन आप सब हमारे ब्रजवासी संगी हैं यालिए मैं मन की बात कर रहा हूँ। तो शिगराज जी की जो प्रेरणा भई है, आगे भविष्य में कभी ऐसा अवसर आएगा तो ये रास पंचाध्याय को विस्तार से अपन और आनंद लेंगे, लेकिन वाके पहले आओ ये महारास को अपन आनंद प्राप्त करें, थोड़ी देर रास विहार करें और तत्पश्चात आशीर्वाद और फिर शिगराज जी की परिक्रम राम दूं। उससे पहले सर्व मनोरथी परिवार के लिए आचार्य ये मंच से आचार्य पीठ से बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। बाकी मूल रूप में बड़ों के तो आशीर्वाद मिलेंगे ही लेकिन इस ब्रजानन महोत्सव के जो जो भी मनोरथी वैष्णव हैं सबके लिए बड़ी प्रसन्नता है, आपने बड़े अच्छे मन से ये कार्य में अपने अलौकिक धन का विनियोग किया है, तो खूब खूब आप मनोरथी परिवार के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हमारे समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि आपने भी वैष्णवों की सेवा करने के लिए खूब श्रम लिया, खूब अच्छे भाव से सेवा करी, तो अपनी ब्रजानंद समिति समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनकी सेवा के लिए एक बार तालियों के साथ उन सभी सेवार्थियों का अभिवादन, और साथ ही साथ पूज्य श्री दादाजी पूज्य श्री हरिदादा आप लोगों के आशीर्वाद आप लोगों की कृपा से ही महताम कृपया यावत भगवान दयिष्यति, जब महतों की कृपा होती है तभी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का प्रभु उस जीव पर दया करते हैं, तो पूज्य श्री दादाजी की कृपा पूज्य श्री हरिदादा की कृपा आपकी कृपा से हम सबको ये ब्रजवास सुलभ हुआ, आप महतों की कृपा से ये सत्संग हम सबको सुलभ हुआ, आपकी ही प्रेरणा और
तो पूज्य श्री दादाजी के चरणारविंद में कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए पूज्य श्री ज्येष्ठ भातृचरण आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आपने ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगाध श्रम लिया। पूरा पूरा दिन गला भी आपका बंद हो गया, तो काफी श्रम, और आप सब जानते ही अच्छे तरीके से भली भांति से कि आप सब वैष्णवों की सेवा में ज्येष्ठ भातृचरण का विशेष आग्रह सेवा में आपकी तत्परता रहती है, स्वयं खुद इन्वॉल्व होकर उसमें जुड़ते हैं समिति के साथ, और वैष्णव जो पधारे हैं उनकी सुचारू व्यवस्था चलती रहे, पूरा आनंद ले पाए इसकी सतत उसके लिए चिंतनशील और गतिशील रहते हैं। तो खूब खूब आप आचार्यों की कृपा से ये ब्रजवास सुलभ रहा, तो आप आचार्यों के चरणों में कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सब वैष्णवों के लिए खूब खूब हृदय में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, आपने इतने अच्छे सुंदर भाव से एकाग्रता से कथा का श्रवण किया। रोज मुझे वैष्णव आकर ये भाव के जैसे खूब आनंद आया, खूब आज ये चीज समझ में आई, ये बात और एक बार समझा दें, तो अपने अपने मनोभाव प्रकट किए, तो खूब आप श्रोताजनों के लिए खूब खूब हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आइए महाराज का आनंद लेते हुए इस कथा यात्रा को विश्राम के लिए ले जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम हो श्याम शरद पूनम रात्री चांदनी खिली छे भली भातनी हो शरद पूनमनी रात्री ताली चांदनी खिली छे भली भातनी हो तू न आवे तो श्याम रस जामे न श्याम तू न आवे तो श्याम रस जामे न श्याम से रमवाने वे लोहा वया वया वकाने तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे रास रमवाने वे लोहा वजे रास रमवाने वे लोहा वजे तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे रास रमवाने वेलो आवजे। आज सभी अपने अपने स्थान पे भी रास ले सकते हैं, आगे भी स्थान की मर्यादा है। हो 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 तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे रमवाने वेलो आवजे तारा बिना श्याम ने एक लड़ू लागे लागे रमवाने वेलो आवजे कान जी क्या रमिया व्यारास कान जी क्या रमिया व्यारास हे गेली राधानो हे गोरी राधानो दलडो मुंजा क्या रमिया व्यारास कान जी 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 Hey
कालिंदी ने घाट छोगाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरू जुवे तारी वात रंग लो जाम्यो कालिंदी ने घाट छोगाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरू जुवे तारी वात रंग लो हे हाल 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 वही जासे रात वाट अने माथे पड़ से रे पर भार हाल 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 वही जासे रात वाट अने माथे पड़ से रे पर भार छोगाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरू जुवे तारे वात रंग लो जाम्यो कालिंदी ने घाट छोगाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरू શ્રી એવી આજ્ઞા કરે છે કે એક મોટું રાઉન્ડ કરો આખા આપણે ગ્રાઉન્ડ માં થાય ને એવું મોટું રાઉન્ડ કરો સળંગ એક રાઉન્ડ કરો એટલે બધાને રમવાની મજા આવે હે રંગ રસિયા તારો રાહડો માનીને ગામને છે વાડે બેઠા રંગ રસિયા તારો રાહડો માનીને ગામને છે વાડે બેઠા હે તારી હારું તો કામ બધા મેળ્યા હેઠા હે તુને વડસે સારી જશોદા માં છોગાડા તારા ઓરે છબીલા તારા ઓરે રંગીલા તારા રંગ ભેરું જુવે તારી વાત રંગ લો હે રંગ લો જામ્યો કાલિંદી ને ઘાટ છોગાડા તારા ઓરે છબીલા તારા ઓરે રંગીલા તારા રંગ ભેરું જુવે તારે વાત રંગ લો હે આવ્યા શ્રી અમનાજી ના નોતરા ને મારે જાવું છે વ્રજ પરદેશ રે આજ કોઈ રોકો નહીં આવ્યા શ્રી અમનાજી ના નોતરા ને મારે જાવું છે વ્રજ પરદેશ રે એ બધા લોકો આમ મોટું રાઉન્ડ કરો આમ મોટું રાઉન્ડ કરો જો સ્પીકર પાસેથી આમ સીધા ચાલ્યા જાઓ આમ સીધા 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 જાઓ આમ લાંબુ રાઉન્ડ કરો અહીંયા સ્ટેજથી દૂર જાઓ બધા સ્ટેજથી દૂર જાઓ અહીંયા આપણે કોમ્પ્યુટર વગેરે પડ્યું છે ને ત્યાંથી દૂર જાઓ આમ લાંબુ રાઉન્ડ કરાવો આપણે આમ ઓલી બાજુ પાછળ કરો લાંબુ રાઉન્ડ સ્વયંસેવક એક વાં વ્યવસ્થા કરો આમ સીધી લાઈન થાય ને એવું કરો આમથી આમ સીધી લાઈન કરો આમ લાંબા 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 ઢાળે સહેજે સીધાવી હું તો એકલી હું તો એકલી હો
સહેજે સીધાવી હું તો એકલીને મારે ધરવો છે સાદો વેશ રે આજ કોઈ રોકો હો નહીં આવ્યા શ્રી યમુનાજીના નોતરાને મારે જાઉં છે વ્રજ પરદેશ રે આજ કોઈ રોકો નહીં હે મા વૃંદા દેવનની કુંજમાં શ્રી યમુનાજી મા વૃંદા દેવનની રંગ રસિયો રંગ રસિયો રમે છે રાસ મા શ્રી યમુનાજી રંગ રસિયો હે મા વાલે વગાડી રૂડી વાસડી શ્રી યમુનાજી મા વાલે વગાડી રૂડી જે જે શ્રી રમવા માટે પધારે છે એટલે બધાએ ભેગું ન થવું સાથે સાથે રમવું જે શ્રી રમવા માટે પધારે છે તો બધાએ રમવું ભેગું ન થતા એક સાથે મા વાલે વગાડી રૂડી વાસડી શ્રી યમુનાજી મા વાલે વગાડી રૂડી વાસડી યમુનાજી એ પૂરી વ્રજ સુંદરી ની આશ મા શ્રી યમુનાજી પૂરી વ્રજ સુંદરી ની આશ હે મા વૃંદા એ રંગ રસિયો રમે છે રાસ મા શ્રી યમુનાજી રંગ રસિયો રમે છે રાસ હે ગોરી રાધા ને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન રે ગોરી ગોરી રાધા ને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન રે હે રાધા નું રૂપ છે કાનુડા ની પ્રીત છે જગની રીત નું સુકામ રાધા નું છે કાનુડા ની પ્રીત છે આંખો માંડીને જુએ ગા ગોરી 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 રાધા ને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન રે ગોરી ગોરી રાધા ને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન હે પશ્ચમ ના રાધારાણી પૂરવ નો કાનુડો કેવી આ હંસલાની જોડ રે નવરંગી રાતો મારું મે ઝુમે મેલડી કામણ ગારા એના કોડ રે પશ્ચમ ના રાધારાણી પૂરવ નો કાનુડો કેવી આ હંસલાની જોડ રે નવરંગી રાતો મારું મે ઝુમે મેલડી કામણ ગારા એના કોડ રે રાધાનું કનડું નાચે મનડું નાચે કાનાની મોરલી ભૂલાવી દે સૌને ભાન ગોરી 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 રાધાને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન રે ગોરી ગોરી રાધાને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન કાન હજુર ની મોરલી રે ગોવાડિયા ની જો વાગી હે વાગી વાગી મંદિરિયા ની માય કે જબકી ને હું જાગી વાગી 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 મંદિરિયા ની માય કે જબકી ને હું જાગી કાન હજુર ની મોરલી રે ગોવાડિયા ની જો વાગી
કાના તારે કારણીએ રે મે માને બાપ મેલા હે કાના તારે કારણીએ રે મે માને બાપ મેલા કાના તારે મેલા મેલા મામા ને મોહાટ કે જબ કિને હું જાગી હે કાન હજુર ની મોરલી રે હે કાના તારે કારણીએ રે મે રોતા બાળ મેલા હે કાના તારે કારણીએ રે મે રોતા બાળ મેલા કાના તારે હે કાન હજુર ની મોરલી રે ગોવાડિયા જો વાગી હે કાન રસિયો રો પાડો રંગ રેલિયો ફેર જાઉં ગમતું નથી કાન રસ્યો રો પાડો રંગ રેલિયો રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી જાઉં ગમતું નથી હે કાન રસ્યો રો પાડો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી શ્રીજીનો ચાર પૈડાનો રથ ઘૂઘરી ગમકે છે શ્રીજીનો ચાર પૈડાનો રથ ઘૂઘરી ગમકે છે ગમકે છે ગમકે છે ગમકે છે ઘૂઘરી ગમકે છે ચાર પૈડાનો રથ ઘૂઘરી ગમકે છે મારે મેવાડ શેરમાં જાવું છે મારે મેવાડ શેરમાં જાવું છે હે મારે શ્રીજી બાવાને મળવું છે હે ખોલો 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 શ્રીજી બાવા દ્વાર કે દર્શન કરવા છે ખોલો ખોલો શ્રીજી બાવા શ્રીજીનો ચાર પૈડાનો રથ ઘૂઘરી ગમકે છે ઘૂઘરી ગમકે છે ઘૂઘરી ગમકે છે મારે ગોકુલ શેરમાં જાવું છે મારે ગોકુલ શેરમાં જાવું છે મારે ગોકુલ શેરમાં જાવું છે ગોકુલ શેરમાં જાવું હે મારે ગોકુલ પ્રભુજીને મળવું છે મારે ગોકુલ હે મારે કૃષ્ણચંદ્રજીને મળવું છે કૃષ્ણચંદ્ર
खोलो 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 कृष्ण जी द्वार दर्शन करवाजे श्रीजी नो चार पैड़ा नो रथ घुघरी घमके छे चार पैड़ा नो रथ घुघरी घमके छे वल्लभ गुण गावा रे वल्लभ गुण गावा रे अवसरिया નગુણા થઈને સુમાલો રે નગુણા સુમાલો રે ચીચડામાં ચેતીને ચાલો રે ચીચડામાં ચેતીને ચાલો રે નગુણા થઈને સુમાલો રે નગુણા પ્રભુજી વિના વલ્લભ ગુણ ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ધાર્યુત શ્રી હરિરાયનું થાશે રે ધાર્યુત શ્રી હરિરાયનું થાશે રે બીજું બધું અવરથે જાશે રે બીજું બધું અવરથે જાશે વલ્લભ દાસ કહે છે કર જોડી વલ્લભ દાસ વલ્લભદાસ કહે છે કર જોડી વલ્લભદાસ કહે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે વલ્લભ ગુણ આસો મહિનારી આસ વધારી દન દસરારી દરસારી નવનિધિ નિહારી ચંડી અટારી વાટ સંભારી મથુરારી રઘુભાન દુલારી કહત પુકારી તમથિયારી તકરારી કહે રાધે પ્યારી મે બલિહારી ગોકુડિયાવો ગિરધારી રજીર ગોકુડિયાવો ગિરધારી હે ઝટ પટ પટ ઉલટ પલટ નટવર ઝટ ઝટ પટ પટ ઉલટ પલટ નટ વાર ઝટ કબ ઘટ 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 નિપટ લલે કો ઘટ યતિ ઉલટ ત્રુટક ગતિ ધીન ઘટ મન હર મન લટ લપટ મલે જમુના તટ પ્રગટ અમર અટ રટ ઝૂટ સૂર થટ કે કણ તે ન સમે કણ રવ બટ ઘર ન ફરર પદ ઘૂંગર રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે રજીર રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે સર પર સજર અમર તર અનુસર સર પર સજર અમર તર અનુસર કર ઘર મેળ કરે
हरि हर सुर अवर अक्षर यति मन हर भर भर यति उर हर खबर निर्गत नर प्रवर प्रवर गण निरज निकट मुकुट सिर सवर कण रव पट घर फर पद घूंघर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीर रंग भर सुंदर श्याम रे वन रात वन मावाले रास रचाव्यो वाला वन रात वन मावाले रास रचाव्यो वाला सोड़ से गोपीना ताणिया ची सोड़ से गोपीना ताणिया ची हे उड़ाए वजर रर 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 रे हे उड़ाए वजर रर 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 रे कानूडो सुजाने मारे प्रेत उतारो सुजाने मारे प्रेत कानूडो सुजाने मारे प्रेत उतारो सुजाने मारे प्रेत हे बेनिया में बाढ़ कुवारा रे हे बेनिया में बाढ़ कुवारा रे कानूडो सुजाने मारे प्रेत तारो सुजाने मारे प्रेत हे ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला बनी बेहाला आनंद लाला जागी तन ज्वाला विपट विशाला दिन दयाला आनंद लाला आवे नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवारा बनवारी कहे राध प्यारी ने बलिहारी गोकुड़िया वो गिरधारी रजिर गोकुड़िया वो गिरधारी रजिर गोकुड़िया वो गिरधारी रजिर गोकुड़िया वो गिरधारी रास बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे जल्दी से बैठ जावे सभी लोग अपने अपने स्थान पे जल्दी से बैठ जावे सभी लोग अपने अपने स्थान पे जल्दी से बैठ जावे स्थान पर शीघ्रता से बैठ जाएं। सभी वैष्णव जन से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं। कृपया अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं। घुंघरू खूब छमा छम बाजे रवा गोंधनी केहू बाजे अंग अंग में गहना बाजे चुड़ियन की छंचका अंग अंग में चुड़ियन की छंचकार ऐसो रास रचियो वृंदावन वे रही पायल की जनकार पायल की जनकार वे पायल की जनकार ऐसो रास लालन ब्रजाधीश जी जहाँ कहीं भी हो कृपा करके मंच पे पधारे लालन ब्रजाधीश जी वे रही पायल की जनकार वे रही पायल की जनकार श्री रास बिहारी लाल की जय। आपणे यमुनाजीनो कुनवारो अने श्री गिरिराजजीनो कुनवारो आ बे दिवसमां थयो तेनो प्रसाद आप सौने रूममां मळशे तो अत्यारे प्रसाद लेवा कोई जाय नहीं ए पहेला बधा रूममां जाय। आजे आपणे जे गिरिवर निकुंज छे એનો પ્રસાદનું વિતરણ થશે
અને આવતી કાલે મુકુંદ ગાર્ડન ના પ્રસાદનું વિતરણ થશે તો ગિરિવર નિકુંજવાળા અહીંથી મંડપમાંથી સીધા પોતાની રૂમમાં જશે ત્યાં બધાને રૂમમાં પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવશે તો ખાસ આ નોંધ લેશો આવતીકાલે મુકુંદ ગાર્ડનમાં પ્રસાદ વિતરણ થશે અબ લાલન બાબા બ્રજાધીશજી મહોદય બહુત હી સુંદર મધુર સ્વર મેં ઓજસ્વી વાણી મેં આપ સભી કો પ્રવચન કા શ્રવણ કરાયેંગે શ્રી ગોસાઈ જી પરમ દયાલ કી શ્રી અમુને મહારાણી કી શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યોયત પ્રભુર્નંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોવમ 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 ન સંશય યસ્યાનુકંપાવશત સુદુર્લભમ માનુષ્યમાપ્તમ પરમસ્ય પુંસઃ સર્વાર્થદં દીનદયાલુમેકં ગોપાલલાલં શરણં પ્રપદ્યે અત્રૈવ બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય તાતજી એવં બડે દાદાજી એવં પિતૃચરણ કે ચરણારવિંદ મેં દંડવત પ્રણામ કરતા હું और उपस्थित आप सब वैष्णव वृंद मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि जो हमने पूर्व में बात हमने पूर्व में जो बात की थी कि श्रीमद् आचार्य चरण की बतायी हुई जो वल्लभ भक्ति जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसकी हमने दर्शन किए थे अनेक जन्मों के बाद हमें वो भक्ति का दृढ़ाश्रय प्राप्त होता है और ये बात शांडिल्य ऋषि ने शांडिल्य संहिता अंतर्गत उनके ग्रंथ अंतर्गत प्रकट की और शांडिल्य ऋषि कोई पुष्टि मार्गी नहीं थे वह तो सनातनी थे तो हमने जो दर्शन किए कि आचार्य चरण की बताई हुई जो भक्ति है वह बहुत दुर्लभा है और ये भक्ति प्रभु के लायक कैसे बने ये भक्ति दृढ़ कैसे होए उसके साधन आचार्य चरण के ज्येष्ठात्मज श्री गोपीनाथ जी महाराज अपने साधन दीपिका ग्रंथ अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरु कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवेत यहाँ पे आप श्री भक्ति दृढ़ होने के तीन साधन आप बताते हैं और वो क्या है कि पहला विना भक्त प्रसंगेन अर्थात भक्त के प्रसंग के बिना अर्थात भगवदियों के संग के बिना सत्संग के बिना बिना भक्ति कथम भवेत जीव के अंदर भक्ति दृढ़ कैसे हो वैष्णवो भगवदियों का संग करना एवं सत्संग करना बहुत आवश्यक है सत्संग यानी अपन ग्रंथ खोल के बैठ जावे बस इतनो ही नहीं सत्संग यानी सत तत्वों का संग सत जनों का संग सत वांचनों का संग सत कीर्तनों का संग सत ग्रंथों का संग तो ये जितने भी सत तत्व हैं वो श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है अगर अपन संक्षिप्त में देखें तो जिसके संग से हमारा मन श्री ठाकुर जी में लगे उसका नाम है सत्संग तो
यह हमको सत्संग नित्य निरंतर करना ही चाहिए। आप इसका उदाहरण वार्ता जी में भी देखें कि यहाँ पे ही गोकुल में यमुना किनारे यमुना तट यमुना जी के तट पे दो हंस हंसनी रहते थे और यमुना जी में जो भी वैष्णव स्नान करने आते उनकी चरण रज में वह लौटते। तो एक बार शिकारी ने उनको मारने का प्रयास किया तो जब शिकारी ने हंस को तीर मारा तब उसको कुछ नहीं हुआ। फिर शिकारी अपने घर गया, वो सोचने लग गया ये क्या हुआ, मैंने उसको तीर मारा उसको लगा नहीं। फिर उसको एक उपाय सूझा कि वह हंस हंसनी जो भी वैष्णव यमुना जी में स्नान करने आते यात्रा करने आते उनके चरण रज में वह हंस हंसनी लौटते थे। तो शिकारी ने कहा कि अब मैं भी एक वैष्णव का भेष धारण करके वहां पे जाऊं और जब वो मेरी चरण रज में लौटेंगे तब मैं उनको मारूंगा। फिर अगले दिन वह शिकारी वैष्णव का रूप धारण करके यमुना जी के तट पे गया और हंसनी ने दूर से उसको देखे के कहा कि आपने देखा, आपने पहचाना, ये तो वही शिकारी है जो हमें मारने आया था, अब हम इसकी चरण रज में कैसे लौटेंगे। तब हंस ने कहा कि ऐसा नहीं, तुम्हें याद है कि पूर्व जन्म में हम जब श्री गोसाई जी के सेवक हुए और हमने वैष्णवों में भेदभाव किया, जो ब्राह्मण वैष्णव थे उनको आदर सत्कार से हम उनको प्रसाद दिलवाते और जो अन्य वैष्णव थे उनको इतना आदर नहीं करते, तो यही भेदभाव के चलते अब ये जन्म में हमको ये योनि प्राप्त हुई है तो अब हम नहीं करेंगे। फिर हंस और हंसनी व शिकारी के चरण रज में लौटने आए और जैसे ही वह लौटने आए तब शिकारी ने हंस को पकड़ने की कोशिश करी और हंस का पंख वह शिकारी के मस्तक पे लगा और उसकी बुद्धि फिर गई और वह श्री गोसाई जी का सेवक हुआ। तो वैष्णवों, ये वार्ता प्रसंग के चलते हमको ये पता चलता है कि वह हंस परम भगवदीय था और उसके पंख के स्पर्श से ही वह शिकारी की बुद्धि फिर गई और वो भी भगवदीय वैष्णव हुआ। इसलिए हमको भगवदियों का संग करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और जब हम यह सत्संग करेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे, तभी हमारे अंदर यह जो भक्ति है वह दृढ़ होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो गोपीनाथ जी आप क्या आज्ञा करते हैं कि बिना भक्ति कथम भवेत, जीव में भक्ति दृढ़ कैसे होगी। तो ये आप श्री भक्ति दृढ़ होने का प्रथम साधन बता रहे हैं और अन्य के जो द्वितीय साधन है आगे जब भी अवसर आएगा तब हम उसके दर्शन करेंगे। तो अभी अधिक ज्यादा ना कहते हुए हम सब भगवदियों का संग करें, सत्संग करें, यही मंगल भावना के साथ मैं अपने वाक पुष्पों को श्री गिरिराज जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धारण की, श्याम सुंदर श्यामने महाराणी की। श्री चरणों में विनती करूंगा कि आप अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने। एकादशी तो कल थी। बोलो श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने। बोलो ब्रज आनंद महोत्सव की।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यार्थहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत। श्रीवाक्पतये नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमले भ्यो नमः। हरिदास वर्य हम सभी पुष्टि जीवों के छत्र श्री गिरिराज जी के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान ब्रज आनंद महोत्सव के सर्वाध्यक्ष जिनके मंगल आशीर्वाद से यह ब्रज आनंद महोत्सव आनंदमय संपन्न होवे जा रहे है, ऐसे पूज्य दादाजी पितृचरण एवं मातृचरण के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य पीठ पर विराजमान परम प्रिय लघु भ्राता चिरायुष्मान जिनकी वाणी ही उनको परिचय है, ऐसे श्री गोवर्धनेश जी महोदय समुपस्थित हमारो सभी आचार्य परिवार जो कृपा करके आज ये ब्रज आनंद महोत्सव में आनंद की अभिवृद्धि के लिए आप सब पधारे, ऐसो हमारो स्नेहयुक्त आचार्य परिवार को सविशेष नमस्कार वंदन। एवं यह महोत्सव के मुख्य स्तंभ रूप मनोरथी ऐसे हमारे परम आत्मीय निकट के चिमन भाई फलदु मयंक भाई एवं उनको वैष्णव परिवार हमारे अकोला से पधारे भय यमुना मंडल के सभी आत्मीय स्नेही वैष्णव जो यह कथा के मुख्य मनोरथी रहे, ऐसे हमारी परम आत्मिया सुशीला बहन सोनल बहन एवं गंगाबा और मनोरथ के जो मनोरथी रहे ऐसे भारती बहन जो खास यूएसए से आए हैं एवं आप सब हमारे परम आत्मीय जिनको आनंद लेनो अच्छो लगे ऐसे आनंदी वैष्णव जो आनंद की यात्रा करे हैं ऐसे आनंदी वैष्णव जो आनंद की खोज में आए हैं ऐसे आनंदी वैष्णव बहुत कुछ आचार्य पीठ से आप सबन ने सुनियो है। अब ज्यादा कछु कहवे को समय भी नहीं है और अवसर भी नहीं है, लेकिन आज अंतिम चरण में है अपनी यात्रा और ये अपनी ये कथा, तो दो शब्द महद आचार्यों के जो वचन हैं आज ये कथा की पूर्णाहुति के दिन वाको स्मरण करनो अत्यंत आवश्यक है। श्री आचार्य महाप्रभु जब आसुर व्यामो लीला करवे आप पधार रहे थे तब आपके अंतिम वचन को आज हम सब यहां स्मरण करेंगे और स्मरण के साथ साथ वाको चिंतन वाको मनन और जो आपने आज्ञा करी है वो आज्ञा को पालन करवे को
एक दृढ़ संकल्प लेके हम यहां से आज खड़े होंगे। श्री आचार्य चरण को जब आपके बालकन ने विनती करी, गंगा जी को वह तट है हम सब जाने ही हैं, और तब श्री गोसाई जी श्री गोपीनाथ जी महाराज ने विनती करी कि अब हमारो कर्तव्य क्या है, और वह समय आपने मौन व्रत धारण करो तो, और आपने श्रीहस्त से वो गंगा जी की वालुका में जो आपने शब्द प्रकट किए, वो शब्दन को मैं आज अनुसंधान कराना चाहूं। आप आज्ञा करें हैं कि यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाह, कि जो हम सब पुष्टि जीव अपने अपने भगवत स्वरूप से अपने कर्तव्य से जो बहिर्मुख होंगे, तो आपके स्पष्ट शब्द हैं, स्पष्ट आज्ञा है कि ये काल हमारो भक्षण करेगो। ध्यान दो, जो हम हमारे ये ब्रज से, जो हम हमारे ये वल्लभ से, हम हमारे गुरु से, हम हमारे कृष्ण से, हम हमारे ठाकुर जी से, हम हमारे भगवदीयन से, हम हमारे वैष्णव परिवार से जो बहिर्मुख होंगे, तो काल हमारो भक्षण करेगो। तो आप सब सावधान हो जाएं, जितनो बने इतनो सन्मुखता को आग्रह रखें। जो आज्ञा श्री आचार्य महाप्रभु ने करी, ऐसी ही आज्ञा ये गिरिराज जी की तरेटी में परम कृपाल परम दयाल श्री गोसाई जी ने भी करी है। जब आप गिरिकंदरा में प्रवेश कर रहे थे, आसुर व्यामो लीला कर रहे थे, श्री गिरिराज जी की तरेटी में आप पधार रहे थे, कंदरा में प्रवेश कर रहे थे, और तब सातों बालके आपके सन्मुख हाथ जोड़ के ठाड़े रहे और आप सु विनती करी कि काका जी अब हमारो कर्तव्य का है, कछु हमको आज्ञा करो। और तब श्री गोसाई जी ने भी यही वचन कहे कि देखो ये श्रीनाथ जी हमारे सर्वस्व हैं, और ये श्रीनाथ जी को कभी पीठ मत दीजो। श्रीनाथ जी हमारो सर्वस्व हैं, ये श्री गिरिराज जी हमारो सर्वस्व है, श्री वल्लभ हमारो सर्वस्व है, और वैष्णव ध्यान रखियो कभी इनको पीठ मत दीजो। पीठ मत दीजो या को तात्पर्य कि कभी इनको भूलियो मत, हम जो कछु भी हैं इनकी ही कृपासु हैं। आज विचार करो प्रियजनों कि ये 2-2.5 साल बाद फिर से ये ब्रज भूमि में हरियाली आई है आप सबन के कारण। 2-2.5 साल बाद श्री वल्लभ के मुखारविंद में प्रसन्नता आई आप सबन के कारण। आज ये 2-2.5 साल बाद श्री गिरिराज जी को प्रसन्नता प्राप्त हुई है आप सबन के कारण। जितनी आतुरता हमको हती, जितनी लगन हमको हती के दौड़ दौड़ के ब्रज में पहुंचे, हम सबन से अधिक हमारे वल्लभ हम सबन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज विचार करो कि ये 2-2.5 साल बाद हमको वल्लभ के दर्शन नहीं भय, तो वल्लभ को भी वैष्णवन के दर्शन नहीं भय हैं। तो ये ब्रज आनंद महोत्सव ये अंतिम चरण में जब आ रहे हो, तो श्री आचार्य मद आचार्यन के ये वचन के श्री गिरिराज जी को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्रीनाथ जी को, हमारे वल्लभ को, हमारे गुरुन को, हमारे वैष्णवन को कभी पीठ मत दीजो, उनको कभी भूलियो मत। तो बस यही बात को हम स्मरण अनुसंधान, और यही बात को हम गांठ बांध के चले। सब वैष्णव भाव से जुड़े हैं, कोई न पत्रिका छपी न कोई को फोन आग्रह भयो, सब अपनी मर्जी से आप आए हो। केवल एक ही माध्यम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, दूर दूर तक वैष्णव इनको ये पत्रिका व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंची, न हमने कोई को फोन किए। जिनको वल्लभ की कृपा भई और जिनको गिरिराज बाबा की कृपा भई है, वही जीव या ब्रज आनंद में पहुंचे हैं। कई जीव विचारते रह गए,
जाएंगे 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 और आप जैसे जीव आए गए, पहुंच गए, लाभ ले गए। तो आप सब महद भाग्यशाली भय कि आपने ये 8 दिन 9 दिन ये ब्रज को वास कियो, आप सब धन्य हो गए हो। आप सब यहां से भंडार भर के जा रहे हो, कोई खाली नहीं जा रहा। कदाच आपकी लौकिक संपत्ति खाली भई होगी, लेकिन आप सब अलौकिक संपत्ति से भर गए हो। आप सबन के अलौकिक भंडार भर गए हैं। तो बस अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते भय, मेरे भाग्य में तो देखो मैंने और दर्शन बाबा ने थोड़ो थोड़ो बांट लियो। मेरे भाग्य में आपको थकाए हुए को आयो, गुजराती मां कहू के वैष्णव नो थाक ये मारा भाग्य में आयो के वैष्णव थकावानु। सवेरे जल्दी उठाए के दौड़ा दौड़ी पूरे दिन यात्रा, आप सबन को थकाए हुए को कार्य मेरो और दर्शन बाबा कथा को कार्य दर्शन बाबा। थाक अने कथा गुजराती में दोनों ही चीज है। देखो थाक मेरे भाग्य में थाक आयो और दर्शन बाबा के भाग्य में कथा आई। तो ये दोनों ही बहुत सुंदर ये एक समन्वय पूज्य दादाजी के आशीर्वाद सु ये दोनों ही बड़ो सुंदर कार्य निर्विघ्न आनंद के साथ अपनो ये ब्रज मनो ब्रज आनंद महोत्सव संपूर्ण हुए जा रहे हो। ज्यादा कछु कहनो नहीं है। हमारे मनोरथी चिमन भाई फलदू, आप सबन को ये जान के प्रसन्नता होगी के जो ये यात्रा के मनोरथ ये कथा को मनोरथ इनको यही स्थान में भयो हतो। बराबर के नहीं चिमन भाई? आज से 4 साल पहले जब दर्शन बाबा की ये कथा यही स्थान पे हो रही थी और चिमन भाई फलदू श्रवण करवे के लिए आए हते और यही स्थान में उनको ये कथा को मनोरथ भयो और कथा होवे वारी थी वृंदावन में जो ब्रज रसानंद महोत्सव जो अपनो जो 2020 को थो जाके ये मनोरथी थे वो आयोजन थो वृंदावन में। लेकिन गिरिराज जी की कृपा देखो, गिरिराज जी ने ऐसो एक योग बनायो कि भाई तेने संकल्प यहां लियो तो तेरी कथा भी यही होनी चाहिए और ये कथा भी यही स्थान पे हो रही है। तो ऐसे बड़भागी चिमन भाई फलदू को भी बहुत बहुत आचार्य परिवार की तरफ से शुभाशीर्वाद। अलौकिक सामर्थ्य इनको प्राप्त होवे। ये कथा की जब शुरुआत हो थोड़े दिन पहले की बात है, कम से कम 8-7-8 दिन पहले इनको मुको फोन आयो कि जे जे एक मनोरथ है कि यमुना जी को कुनवारा आप जो आज्ञा करो तो वाको में सब मनोरथी बनू। मैंने कही बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है आप बनो। फोन रख दियो। फिर 3-4-5 मिनट बाद पाछो फोन आयो कि जे जे आप आज्ञा करो, उनकी दीनता देखो कि जे जे आप आज्ञा करो तो श्री गिरिराज जी के कुनवारा को भी मैं सह मनोरथी बनू। मैंने इतनी प्रसन्नता व्यक्त करी कि ठाकुर जी ने आपको अलौकिक सामर्थ्य दियो है और अधिक से अधिक आपके द्वारा ऐसे मनोरथ आगे भी होते रहे। बस ऐसे हम तो श्री गिरिराज जी को विनती करें हैं, ऐसो अलौकिक आपको ये वैष्णव परिवार मिलो है, ऐसो मयंक ऐसो सुपुत्र ऐसी आपकी पत्नी पुत्र वधु आपको पौत्र सबन को हृदय से खूब खूब शुभाशीर्वाद। ऐसे मनोरथ आपके द्वारा होते रहे। संग संग अपनी ये कथा के जो मुख्य मनोरथी जो रहे हमारे यमुना मंडल उनके लिए तो मैं कहा कहूँ, अब आप सब को मैं यूँ कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो घर की बात है। जितनों मैं कहूँ हमारी सुशीला बहन उनको परिश्रम इतनो है, आज हमारे परिवार से भी ज़्यादा मैं यूँ कहूँ कि उनको परिश्रम है। इतने इतने वैष्णव इनको जोड़ने ये कोई सरल नहीं है। आज अकोला महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ से वैष्णव अपने यमुना मंडल में जुड़ के अपनी ये यात्रा में आए हैं। तो मैं तो मेरी तो बड़ी बहन है और मैं उनके लिए बोलूँगा ज़्यादा तो आपको यूँ लगेगा कि ये तो भाई है और बोले तो हमें क्या बड़ी बात है।
लेकिन जितनों मैं कहूँ हमारी सुशीला बहन के लिए उतनों कम है। कई कई आयोजन, कई कई मनोरथ उनके द्वारा भय हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अभी तो ये मनोरथ चल ही रहे हो तो भी ये मुझको कई बार मिला है तो कहते अब आगे का हो, बन कि ये पूरो तो होवे, तो एक अपन घर तो पहुंचे सुख शांति सु, फिर कछु कछु दूसरे मनोरथ की, कुछ दूसरी यात्रा की, दूसरे आयोजन की विचार करें। उनके मनोरथ श्री यमुना जी की कृपा से चलते ही रहें। ऐसे ही हमारे यमुना मंडल के सभी, कौन कौन के नाम दूं, सोनल बहन गंगाबाद, जो भी ये मनोरथी बने हैं, हमारी सीटी धारी मधु बहन, सभी यमुना मंडल की जितनी भी ये मेरी बहनें हैं जो ये मंडल में ये यात्रा में जुड़ी हैं, उन सभी को हृदय से खूब खूब साधुवाद है, शुभ भावना है। ऐसे ही मनोरथ आपके द्वारा आगे भी ब्रज मंडल में, अकोला में, अपने भारत वर्ष में अधिक से अधिक होते रहें। बस श्री यमुना जी को यही विनती, श्री गिरिराज जी को यही विनती करूं। ऐसे ही हमारे ये यात्रा के जो जो मनोरथी भय हैं उन सभी को हृदय से शुभ भाव प्रकट करते भय, अधिक से अधिक आप सब वैष्णवन के लिए शुभ भाव प्रकट करते भय। आप सबन को ये यात्रा में कछु भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आचार्य परिवार की तरफ से, क्योंकि जितनी वैष्णव हमारो ध्यान रखे हैं, जितनो वैष्णव हमारी सेवा करे हैं, जितनो वैष्णव हमारे सुख को विचार करे हैं, शायद हमसे इतनो आपको विचार, आपकी सेवा, आपके सुख को विचार शायद नहीं बन पावे। तो मैं यही आचार्य परिवार की तरफ से कहूँ कि कदाच जानते अनजानते कछु भी ये यात्रा में, ये उत्सव में, ये ब्रज आनंद महोत्सव में, आनंद में जो आपकी कमी रह गई हो, तो मैं दो हाथ जोड़ के आप सबन को क्षमा प्रार्थी हूँ। बस ऐसो ही आपको मैं बालक हूँ और एक छोटो बालक जान के मुको आप क्षमा करियो, और आगे जितने भी उत्सव मनोरथ हों आप अपनों जान के वो उत्सव मनोरथ में अधिक से अधिक संख्या में आप सम्मिलित होइयो और हमको आपकी सेवा को अवसर प्रदान करियो। तो विशेष अब कछु कहनो नहीं है, बहुत कुछ केवा गयो है। आप सब महद भाग्यशाली हो कि आपको श्री वल्लभ की वाणी चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी महोदय श्री के मुखार बिंदु, कितनी सुंदर कथा आप सबन ने श्रवण करी है। तो और अभी इनके आचार्य पीठ से भी एक मनोरथ भयो कि आगामी रास पंचाध्यायी 5 दिन या 7 दिन जैसे भी श्री गिरिराज बाबा कृपा करें, श्री यमुना जी कृपा करें, तो यही विनती अपन सब करके जाएंगे कि अब जल्दी जल्दी ऐसी विनती, जल्दी जल्दी ऐसे दिन, जल्दी जल्दी ऐसी कृपा होवे कि हम पुनः या ब्रजभूमि में आवें और ऐसी कथा को श्रवण करें। तो यही विनती के साथ ये ब्रज आनंद महोत्सव के सर्वाध्यक्ष स्थान पे जो विराज है, जिनकी कृपा, जिनके आशीर्वाद से ये सब कार्य संपन्न भयो है, ऐसे सर्वाध्यक्ष पूज्य दादाजी के आशीर्वचन के बिना ये महोत्सव, ये आनंद हमारो अधूरो है। तो अब मैं पूज्य दादाजी को विनती करूं कि आप अपने आशीर्वाद द्वारा हम सबन को लाभान्वित करें। बोलो श्री वल्लभादी। आज धरण की श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, समस्त ब्रज मंडल की, गौ माता की, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नों।
यः शम्भरुणः शन्नो भवत्तरीयमान् शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो मन्त्र उरक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ यच्छञो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्त्रमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु स्वं स्वपदे स्वं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः निसाधनजनोद्धारकरणप्रकटीकृतः श्रीगोकुलेशस्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः उपस्थित मंचासीन आचार्य स्थान पर विराज करके श्री महाप्रभु जी की वाणी को अत्र तत्र प्रसारित कर रहे हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। ऐसे तिरायुष्यमान गोवर्धन ने श्री और इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप में प्रवृत्तिशील जो हैं हमारे ज्येष्ठ आत्मा श्री हरिराय जी महोदय, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। प्रियजनों, बृहद कार्य करना हो तो सबका साथ चाहिए, संगठन चाहिए, एकता चाहिए, कुछ करने की भावना मन के अंदर होनी चाहिए। और ये जो आयोजन हुआ है श्री पुष्टिधाम हवेली सूरत के तत्वावधान में, यह आयोजन हुआ है
श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश के तत्वावधान में यह आयोजन हुआ है। सौराष्ट्र में प्रगतिशील कार्यशील श्री गोविंद कुंज हवेली निर्माणाधीन उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं के सब तत्वावधान में यह ब्रज आनंद। देखो ये दो शब्द हैं, एक तो है ब्रज, एक है आनंद। आनंद की व्याख्याएं अपन ने कथाओं में सुन ली है, विस्तार करना नहीं है, लेकिन इतना जानना है प्रियजनों, ब्रज रज जल और रज दोनों का अति महत्व है। यमुना जल यमुना जी का किनारा और श्री श्रीमद गिरिराज जी की यह तरहटी समस्त ब्रजमंडल और ब्रजमंडल के होने अंदर होने वाली प्रभु के रसात्मक लीलात्मक मानात्मक जो है लीलाएं दान मान रास खेल और उसमें भी रास सभी रसों का समूह जा एकत्रित हो जाता है वो रास बन जाता है। रसो वैसह भगवान का स्वरूप कैसा है तो के रसो वैसह रसमय है। तभी तो श्री आचार्य चरणों ने कहा कि प्रभु कैसे हैं कि अधुरम मधुरम नैनम मधुरम और नंद कुमाराष्टकम के अंदर भी कहा कि सुंदर गोपालम उरवल मानम नयन विशालम दुख हरम। और प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी ने भी श्री आचार्य महाप्रभु के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए जो उपमा दी श्रीमद वृंदावन इंदु इंदु यानी चंद्र अलौकिक दिव्य चंद्र जो भक्त के हृदय में रहे हुए ताप को शांत करता है। पूर्व में अपन सुन चुके हैं, बहुत सी बातें सुन चुके हैं, अब तो ये समय आता है कि जो भी कुछ सुना और सुनने के बाद तीन बातें होती हैं, ध्यान देना। सुना यहां से सुना राइट साइड से लेफ्ट से निकल गया, दूसरा सुना मुंह से निकल गया और तीसरा सुना वो सीधा हृदय में उतर गया। अब ये विचार करना है कि हम श्रोताओं को इन सात सात दिन तक श्री कृष्ण लीला अमृत और उसमें भी भागवत और भागवत के अंदर भी तत्वज्ञान सहित सुबोधनी जी सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर श्री महाप्रभु जी का सातवां नाम आता है श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। श्रीमद् भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने में सतत परायण जो हैं वो हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। शास्त्रार्थ स्कंदार्थ प्रकरणार्थ वाक्यार्थ पदार्थ शब्दार्थ अक्षरार्थ ये गूढ़ अर्थ गूढ़ार्थ क्यों कहा? गूढ़ार्थ इसलिए कहा कि वो सरलता से समझने में नहीं आते हैं इसलिए गूढ़ है। जो सरलता से समझने में आ जाते तो कहते सरलार्थ, परंतु यहां प्रभु चरण से विठलना जी आ गया करते हैं महाप्रभु जी के लिए गूढ़ार्थ। श्रीमद भागवत यह भक्ति सागर है, रस रूप है। ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितम स्मरयन्ति स्मारयन्ति हरे नामक कलव युगे। इस कलयुग के अंदर अलौकिक कार्य बनना समझो कि परम कृपा श्री गिरिराज जी की और यमुना जी की और श्री महाप्रभु जी की अपन के ऊपर हो गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हम गिरिराज जी की तरेटी में बैठे हुए हैं। हाँ के ना गिरिराज जी की तरह में बैठे हैं ना, और जगह गिरिराज जी की तरेटी में अपन सब बैठे हुए हैं। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गिरिराज जी की कृपा यमुना जी की कृपा महाप्रभु जी की कृपा गुरुवर की कृपा सब भक्तों की कृपा गौ माता की कृपा
ब्रज रज की कृपा, यमुना जी के रज की कृपा से हमको ये ब्रज वास मिला, ब्रज में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कथाओं में हमने सुना है दर्शन बाबा के मुख से कि देवताएं भी अभिलाषाएं करते हैं कि हमको भगवान जन्म दो तो पृथ्वी पे भारत भूमि में जन्म देना और हमको मनुष्य बनाना जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें। आज भाग्यशाली हैं अपन श्री महाप्रभु जी के चरण शरण का अनुसरण करते हुए। सबसे ज्यादा भाग्यशाली सब वो वैष्णव हैं इस ब्रज यात्रा के अंदर शामिल हुए, साथ साथ अपने प्रिय प्रभु को साथ में पधरा के आए हैं। हमने कभी आज तक ऐसा कहा नहीं ना कहते, हम तो यही कहते जहां जाओ वहां, जहां रहो वहां, देर अवेर हो तो तकलीफ नहीं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा रोज करनी करनी और करनी। बोलो हां के ना। पहले भी बताया था, आज दोबारा उस बात को मैं याद करा दूं, भगवत सेवा करने वालों को तीन बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो है झारी चरण स्पर्श, माला बीड़ा, श्रृंगार और सामग्री। पहला है झारी और चरण स्पर्श। घर में ठाकुर जी विराजते हैं, अपन ठाकुर जी की सेवा अपन करते हैं, लेकिन जो झारी जी न भरे चरण स्पर्श न करें तो सब सेवा वृथा। तो झारी जी अवश्य भरनी चाहिए, समय समय की भरनी चाहिए और चरण स्पर्श का विशेष आग्रह रखना चाहिए। चरण स्पर्श करें तो दीनता आवे, झारी जी भरें तो भक्ति की वृद्धि हो। झारी जी यानी क्या? झारी जी यानी श्री यशोदा जी, झारी जी यानी श्री यमुना जी और झारी जी यानी वैष्णव का हृदय। और झारी जी में जल है वो क्या है? वैष्णवों के हृदय में रहा हुआ जो प्रेम रस है वो झारी जी है। जो हमारे हृदय में प्रेम है तो ही पुष्टि है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है। बस ऐसी जो अनन्यता भक्त की भगवान के प्रति हो जाए, हमारो मन उस लीला का चिंतन करने लग जाए, नंद नंदन सखी सुंदर वालो चिंतन तेनु करिए जी, वो चिंतन करें। लौकिक चिंतन तो रुलाता है, अलौकिक चिंतन विरह के आंसू प्रकट करता है। ये खुशी के एक ये संयोग रस के और दूसरे हैं विप्रयोग रस के। और वो विप्रयोग रस तब होता है कि जब संयोग दूर होता है तब। जैसे कि एग्जाम्पल अपन 8-9 दिन से साथ साथ रह रहे हैं, हाँ कि ना, अभी कमरा अलग हो सकता है लेकिन अपन साथ में रह रहे हैं ना, अपन सब साथ में रह रहे हैं, समय समय पे जल्दी उठ जा रहे हैं, अपनी दिनचर्या जो घर पे थी उसको सुधार ली, जल्दी उठने की आदत कर दी और जल्दी उठ करके अपना कार्य करके भगवत सेवा भी साथ में है। और जहाँ का हेला हुआ है कि आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है तो चलो वहाँ पहुँचना है, पहले टाइम सर पहुँचना है, तो ऐसी आतुरता अपन की रही, इतना जल्दी 4 बजे कौन उठता है, लेकिन नहीं, यात्रा में है, ब्रज में है, ब्रज दर्शन करना है। दिन तो यूँ जल्दी जल्दी पूरे होते जाते हैं, रात न्यून सोने में चली जाती है, दिन प्रवृत्तिशील रहता है। थकान किस बात की? कोई थकान नहीं, थकान तो संसार के अंदर है, इन सुख दुखों के अंदर है, लेकिन यहाँ भगवत सेवा में ब्रज के अंदर ये तो अलौकिक आनंद आनंद और आनंद है। ये ब्रज रसानंद महोत्सव, इन सब हमारे जो प्रगतिशील कार्यशील जो सूरत की हमारे पुष्टिधाम हवेली है और उसका जो मूल संचालन हमारे ज्येष्ठ आत्मा से हरिराई जी महोदय कर रहे हैं, उसको 10 वर्ष हो गए, कई प्रवृत्तियां उसमें से चल रही हैं और वहीं के कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता गण यहाँ उपस्थित हैं, तो पुष्टिधाम हवेली और उनके सक्रिय कार्यकर्ता गण उन सबके प्रति हम प्रसन्नता
प्रकट करते हैं, आशीर्वाद प्रदत्त करते हैं, तो मैं तो क्या आशीर्वाद दूंगा, मैं तो प्रभु का दासानुदास हूँ। आशीर्वाद तो गिरिराज बाबा देने के लिए ऐसी कृपा कर रहे हैं कि हमको निकट बुला लिया है और हमको अलौकिक आशीर्वाद दे दिए हैं। और वो आशीर्वाद का अर्थ यही है, ये हमारी आयु, हमारा देह, हमारा जो शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके भगवत सेवा में लगा रहे, ये है उनके आशीर्वाद कि तुम भगवत सेवा में तुम्हारा मन लगा रहेगा। प्रिय जनों, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आज ये ब्रजा आनंद महोत्सव का अंतिम ये पड़ाव है, बहुत कुछ कथा के मंच से कहा गया है और जो भी कुछ मुझसे कहने में रह गया हो, बहुत सी बातें दोनों आचार्यों ने मंच से कह दी हैं, मैं उन्हीं सब बातों का समर्थन करता हूं। दोनों आचार्यों को तो आशीर्वाद है ही, लेकिन विशेष आप सबसे हमारी शोभा बढ़ी है, बस आप हमको मिलते रहो। बस कहीं पड़ी सुनी थी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। बस वो याद में आया कि वैष्णव हमसे मिलते रहेंगे तो अवश्य हमारा जो भक्ति भाव प्रेम रस जो है वो वही सब प्रकट हो जाएगा और आपके हृदय में भी ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो, यही श्री गिरिराज बाबा के चरणों में विनती करता हूँ। इस यात्रा में आए हुए सभी महानुभाव, सेवा भावी, सेवा परायण, भारत देश विदेश से आए हुए, इतना समय निकाल करके आए हुए सभी को खूब खूब भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और विशेष करके एक बधाई देना चाहता हूँ। 2024 में एक ऐसा गिरिराज बाबा के चरणारविंद में बैठ करके एक मनोरथ जागा कि हमारे ये दोनों पौत्र क्यों का यज्ञोपवीत संस्कार इस ब्रजभूमि में हो और उसमें आप तो आएंगे ही आएंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन एक एक जने 50-50 वैष्णवन को लेके आएंगे, तो देखो कितना आनंद आवे है। ब्रज महोत्सव होएगो और बैठक यात्रा भी होएगी और नित्य प्रवचन भी होएंगे और अनेक प्रकार से सांस्कृतिक कार्य इसमें होते रहेंगे, भोजन वोजन तो सब होता ही रहेगा, व्यवस्था सब आपकी सेवा के रूप में करेंगे, लेकिन आज इस ब्रज यात्रा ब्रजानंद महोत्सव के विराम को समय आ गया है। बहुत कुछ जो भी आपने सुना, ये 8-7 दिन है तो कि 9 दिन, 8 दिन हो गए, आज 8 दिन, 8 दिन तक आपने ये कृष्ण लीला का श्रवण गान किया, जो भी आपको उनमें से अच्छा लगा, प्रिय लगा, उन बातों को, उन प्रसंगों को जीवन में आत्मसात करेंगे और आप सबके अंदर श्री गिरिराज बाबा ऐसे कृपा दृष्टि के अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और विशेष करके इस ब्रज यात्रा में हमारे पुरोहित गण मथुरा और जतिपुरा वही साथ में हमारे रहे, अभी तक रह रहे हैं और पूर्ण उनने अपनी सेवाएं भी दी है, इसलिए खूब उनके लिए भी प्रसन्नता है। और ये हमारे जो साथ संगीतज्ञ हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हमारे गोकुल चंद्र जी छबड़ा वाले कि जिन्होंने इस माइक का संचालन किया और विशेष धन्यवाद के पात्र जो हम लोगों के साथ अंतरंग बनकर के सेवा कर रहे हैं। कुछ भी कदाच कहने में आ भी जाता हो लेकिन वो सहन करके भी हमको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे हमारे आत्मीय सेवाभावी वैष्णव जन और ये श्री पुष्टिधाम हवेली मोटा वराचा सूरत के सभी सेवाभावी वैष्णव जन, अशोक भाई आदि और उसके बाद राजू भाई डंडोतिया, राजू जी डंडोतिया, पुरुषोत्तम धाम,
बैठक मंदिर के सक्रिय सेवा भावी और भी कि जितने भी डंडोतिया और वैष्णव मुरैना मध्य प्रदेश के हैं उन सबका भी हम अभिवादन करते हैं। और विशेष करके गोंडल में अभी तो हलवीली का पहला स्लैब भरा है, इतना प्रगतिशील कार्य चल रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये गोविंद कुंज हवेली का निर्माण हो जाएगा। और आप सबका भी उसमें आमंत्रित हैं कि वहाँ पर आप आएंगे और वहाँ भी इसे मनोरथ कथा के और प्रवचन के होते रहेंगे, अनेक प्रवृत्तियाँ होती रहेंगी। तो ऐसा है गोविंद कुंज हवेली गोंडल सौराष्ट्र में, वो भी इसके लिए इस कार्य के अंदर सम्मिलित है। वहाँ के भी कार्यकर्तागण हमारे इस आयोजन में अपनी सेवाएं तन मन धन से दे रहे हैं और जितने भी इस कार्य के अंदर अपना अपना कार्य किया है उन सभी का हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। विशेष करके अतिथि के रूप में हमारे आचार्य बंधु परिवार सजातीय बंधुगण अपने स्नेह सौहार्द को प्रकट करते हुए यहाँ पर पधारे, सभी का अभिवादन और स्वागत है, नमस्कार है। बस विशेष ना कहता हूँ, कहते हुए अहमदाबाद से आए हुए हमारे परम सेवानुरागी उमेश भाई वैद्य जो CS हैं, उनकी कंपनी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनका मन अलौकिक महाप्रभु जी की गुसाई जी की कृपा से हमारे परिवार से लग गया और आज पूरे बृहद रूप में इस कमेटी में सेवा का कार्य कर रहे हैं। उमेश भाई वैद्य, उनके लिए भी तालियां बजा दें। और अशोक भाई मोरड़ जो सूरत से आए हैं, वो भी पुष्टिधाम हवेली के सक्रिय हैं सेवा भावी, वो उनके भी प्रशंसा और आशीर्वाद के रूप में उनकी ताली बजा दें। ऐसे तो कई वैष्णव हैं, कितने को नाम जानू न जानू, अकोला के तो सुशीला जी को जानते माने सबको जानते हैं, वहाँ के पूरा मंडल और ये हमारे आगरा वाले, मध्य प्रदेश वाले, गुजरात के, सौराष्ट्र के, देश और विदेश के, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वहाँ वो वैष्णव हमको मिले हैं, उनसे परिचय हुआ है और उन्होंने आज इस ब्रजभूमि में आकर के अति प्रशंसा व्यक्त की है। और विशेष भविष्य का एक ये आयोजन है, दोनों आचार्य बालकों के यज्ञ पवित्र प्रस्ताव, बैठक की यात्रा और भविष्य में भी एक मनोरथ गिरिराज जी की कृपा से, यमुना जी की कृपा से, हमारे गुरुवर तातचरण श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज जी, हमारे पितृचरण श्री गोविंद लाल जी महाराज जी, हमारे काका श्री श्री पुरुषोत्तम गोपाल लाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और अनुग्रह से एक मनोरथ ऐसा जगा कि पुनः एक बार फिर आओ ब्रज यात्रा करें, बस ऐसा मनोरथ जगह है। उसकी तारीख तिथि अब सब नक्की करेंगे, आप लोगों को बधाइयाँ सब मिलती रहेंगी, लेकिन बस शर्त यह रहेगी कि आपको आना है आना है आना है। बस विशेष ज़्यादा न कहते हुए श्री पुनः श्रीमद् भागवत भगवान श्री गिरिराज बाबा श्री यमुना जी गुरुचरण के चरणों में अपने वाक पुष्पों को समर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरुवल्लभाधीश की, शिवल्लभाधीश की। अभी आपने पूज्यपाद आचार्य चरण के मुखारविंद से बड़े ही सुंदर प्रवचनों का श्रवण किया। बंधुओं, पूज्य आचार्य चरण की कृपा के विषय में मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, आपके विषय में केवल ये चार लाइनें आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकता हूँ कि दर्शन करता हूँ जब सिखाका दिखते श्री गोकुलनाथ और मुखारविंद की छवि तो मानो श्री विट्ठल नाथ और हृदय में आपके प्रभु गिरधर क्रीड़ा करते हैं। अरे क्या वर्णन करूं प्रभु दामोदर, आप तो मुझे जो है साक्षात श्री वल्लभ लगते हैं। क्या वर्णन करूं प्रभु दामोदर, आप तो मुझे साक्षात श्री वल्लभ लगते हैं। इसी के साथ सुशीला बेन को आमंत्रित करूं एवं बंधुओं, गोंडल में परम श्रद्धे श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री आप श्री यहाँ विराजमान हैं, आपकी अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर गोविंद कुंज हवेली का निर्माण होने जा रहा है। अभी आपने जिक्र भी किया कि उसका जो प्रथम फ्लोर तो बन चुका है, मैं भी व्हाट्सएप पे उसके दर्शन कर चुका हूँ, वहाँ के वैष्णव मेरे से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर ढंग से बड़े शीघ्रता से कार्य चल रहा है। आप वैष्णवों से आग्रह है कि
कि कम से कम एक ईंट की सेवा, एक ईंट की सेवा भी आज अगर आप यहाँ से लिखा देंगे तो हम ये समझेंगे कि आपकी ब्रज यात्रा पूर्ण रूप में सार्थक हुई। एक ईंट की सेवा भी जो है लिखाकर हम उस सुंदर कार्य से जुड़ सकते हैं। एवं यहां से मात्र 150 किलोमीटर दूर आप श्री की कृपा एवं दोनों हमारे युवा आचार्यों के अनुग्रह से पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर का निर्माण मुरैना में हुआ है, जिसमें प्रात स्मरणीय हमारे परम श्रद्धे पूज्यपाद गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री की विश्व की प्रथम बैठक वहां पर स्थापित हो चुकी है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप कभी भी जो है जब भी समय निकालें मुरैना अवश्य पधारें और दर्शन करें, यही आपसे आग्रह करता हूं। इसी के बाद सुशीला बेन अपनी मधुर वाणी से हेलो बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, बल्लवाधीश की, वैष्णवो सामड़ो, वैष्णवो सामड़ो, काले सवार यात्रा आई थी 6 बजे गुलाल कुंड मा होरी खेलनो मनोरथ, वहां से लौटकर चंद्र सरोवर पर बैठक जी पर झाली संस्वस करके वापस मुकाम पे आना है। सभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है कल यात्रा यहाँ से सुबह 6 बजे गुलाल कुंड पर बैठक जी पर दंडवत, गुलाल कुंड पर होली खेल का मनोरथ, उसके बाद चंद्र सरोवर पर पान करते हुए बैठक जी पर दंडवत करके झारी संस्वर करके मुकाम पर वापस आना है। सभी वैष्णवों को महाराज श्री कृपोहित राजू चौबे की जैसी गिन बोल जमुना मैया की जय। हेलो हेलो श्री गोवर्धन नाथ जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी की जय। सर्वप्रथम हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए मैं साष्टांग दंडवत करती हूँ। जिनकी कृपा से ब्रजभूमि में इस पावन पर्वती में हरि गुरु और आप जैसे वैष्णव का सानिध्य मिला वो हम सभी का जीवन धन्य हो गया। हमारे आदरणीय परम पूज्य दादाजी एवं हरि बाबा एवं हमारे दर्शन बाबा और समस्त बल्लभ कुल परिवार के युगल चरणानी में मैं कोटानुकोटि दंडवत करती हूँ। मुझे जय ने सुबह आज्ञा की कि आपको 15 मिनट बोलना है, 15 मिनट तो क्या मैं 15 दिन बोल सकती हूँ लेकिन अभी समय का अभाव है और सब वैष्णव को जाने की आतुरता लगी है। हालांकि मेरे मन में बहुत कुछ प्रभाव प्रकट हुए पर जय इतना सुंदर बोलते हैं कि मुझे बोलने में भी थोड़ा संकोच हो रहा है कि मैं क्या बात करूं। छोटे छोटे बालकों के वैष्णव सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना अच्छा गॉड गिफ्ट प्रभु हमको क्यों नहीं देता है करके। तो मैं थोड़े से मेरे विचार प्रकट करती हूँ कि ये इतने अच्छे, सबके पहले तो कई जन्मों के पुण्य के लिए जब ऐसे वल्लभ कुल हम जैसे वैष्णव को मिले, इतनी सादगी, इतनी सरलता शायद ही कोई वल्लभ परिवार में होंगी। हालांकि मैं भी बहुत वल्लभ परिवार से जुड़ी हूँ पर जो स्नेह और जो इतनी सादगी सरलता मुझे प्राप्त हुई, मुझे तो क्या, लेकिन सारी वैष्णव जानते हैं, हर कोई यही बोलता है कि वैष्णव मतलब ऐसे जय जय कभी नहीं देखे कि भाई जो इतने सरलता से सब वैष्णव से मिलते हैं। जय जय लोग जैसे अपनी इसमें ही रहते हैं, समझो कि भाई जैसे वैष्णव आते हैं तो भाई देखा नहीं देखा जैसा चलता है, लेकिन आप जैसे वल्लभ कुल, आप जैसे आचार्य परिवार शायद ही कोई होंगे कि जो हर वैष्णव को जय जय इतना ध्यान रखते हैं। दादाजी भी बार बार ये नहीं दिखे वो नहीं दिखे सुशील नहीं दिखे, हरि बाबा का तो कहना ही क्या है। और यमुना मंडल तो हमारा ऐसा फेमस हो चुका है कि जैसे कोई भी बहन कहीं दिख जाए
तो जय जय बोलेंगे अरे आप आए वो नहीं आए। बहुत ही बहुत प्रसन्नता मन में होती है। अब मैं थोड़ा सा हमने क्या क्या इनके साथ में कैसी कैसी यात्रा है कि 5 मिनट का समय लूंगी आप लोगों से। श्री यमुना जी के कृपा से पूज्य दादाजी श्री हरि बाबा वो पूज्य श्री दर्शन बाबा की कृपा अकोला के यमुना मंडल पर सदा ही बरसती रही है। इन्हीं वल्लभ कुल परिवार के सानिध्य में हमारे मंडल को कई मनोरथ लाभ सदा ही मिलता रहा। विगत कई वर्षों से श्री यमुना जी की कृपा व आप श्री के सानिध्य में यमुना मंडल की लीली परिक्रमा गुजरात साउथ बैठक यात्रा पुरुषोत्तम मास में ब्रज में भागवत श्रीमद गोकुल में भागवत चुनरी मनोरथ अकोला में पूज्य दादाजी के मुख से सर्वोत्तम जी का रसपान अकोला में भागवत जी व श्री गुसाई जी के 28 बेटे जी का अति दिव्य मनोरथ दर्शन बाबा की ओर से और अभी जो गिरिराज जी की तरेटी में श्री सुबोधनी जी का रसपान ऐसे कई मनोरथ का आनंद हम सभी ने लिया। कुछ कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं है कि भाई 2015 में क्या हुआ 2016 में क्या हुआ। जैसे कि जैसे लोग बताते हैं कहाँ से शुरुआत करूँ वैसे ही पता नहीं कौन से जन्म के भाग्य खुले। 10 साल पहले ही मैं जुड़ी थी लेकिन 10 साल में इतना कुछ हुआ कि हमारी यमुना मंडल को तो ऐसा नहीं ऐसा लगता कि जय जय अकोला ही विराज रहे हैं। 2-4 साल से समझो मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की तो बहुत जैसे विरह हो रहा था मन में कि बाप रे कितने साल हो रहे कब मिलेंगे कैसा होएगा क्या होएगा। ये भी मनोरथ ऐसे कितने सालों से जगा था मन में और वो भी गिरिराज जी की कृपा से और जय जय के इसे आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर ऐसे सफल हुआ। हमारे अकोला के मंडल के जो भी लोग मुझे मिल रहे हैं तो एक ही बात बोल रहे हैं बहुत आनंद आया। वो मुझे समझते हैं कि भाई आपके वजह से हुआ लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो इन लोगों का श्रम देख के ऐसा लगता है कि अपन तो कुछ भी नहीं करते सिर्फ बात कर रहे हैं। इन लोग कितने श्रमित होते होंगे क्या क्या इन लोगों में होते होंगे जबकि हम लोग चाहते हैं कि भाई बल्लभ को श्रम नहीं देना चाहिए ठाकुर जी को श्रम नहीं देना चाहिए लेकिन हम वैष्णव ऐसे है कि बार मेरे जैसी वैष्णव ऐसी है कि बार बार जय जय ऐसा करो बार बार ऐसा करो। बहुत मन में ऐसा दुख भी होता है लेकिन सही मार्ग दिखाने वाले दिशा दिखाने वाले यही आचार्य परिवार अपने साथ हमेशा रहते हैं। जिस सुबोधन जी का रसपान ऐसे कई मनोरथ का आनंद हम सभी ने लिया जिसका रस माधुर्य अभी भी हमारे मन में है। गिरिराज जी के तरटी में श्री सुबोधन जी का रसपान ऐसे कई मनोरथ का आनंद हमने सभी ने लिया जिसका रस माधुर्य अभी भी हमारे मन में है और वर्णन करने को शब्द नहीं है। आज हमने जय जय के संग में इवन दुबई यात्रा भी की इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रज यात्रा तो होती रहेंगी एक बार और कहीं यात्रा करके आते हैं। दुबई यात्रा 2018 की लीली परिक्रमा की बात ही पूछो। 2018 की परिक्रमा तो एक एक दिन की एक एक स्मरण अविस्मरणीय है। वहाँ की सभी यात्राएं यानी जितने भी वैष्णव अकोला से हमारे 150 वैष्णव थे लीली परिक्रमा में तो आज कोई भी वैष्णव को 2018 की इतनी बातें याद आती है। इसीलिए मैंने उस दिन जय जय से कहा कि जय जय 2018 में 150 आए थे इस बार 300 आ जाएंगे। 2018 की लीली परिक्रमा यमुना मंडल के सभी सदस्यों की मधुर यादें बन गई। दर्शन बाबा ने हमेशा वचनामृत में श्री सुबोधनी जी को समझाने पर ही जोर दिया वरना हम इस अमृत समान विषय से अपरिचित रह जाते। आप श्री के सुंदर कीर्तन वचनामृत हमेशा हमारी स्मृति में अंकित रहेंगे। 2 दिन पहले वचनामृत में विशेषकर श्री वरेण्यम बाबा लाल बाबा की उम्र को देखते हुए इतने कठिन विषय को जिस सरलता से उन्होंने समझाया वो वचनामृत किए उसने सभी का मन मोह लिया। छोटे राजा वो अस्वियान बाबा ने सुंदर वचनामृत कर सभी का मन मोह लिया। ये मेरे अहोभाग्य है इस परिवार ने मुझे बहन का प्यार दिया और पुष्टि पथ पर आगे बढ़ाया। पूज्य हरि बाबा ने वचनामृत में कहा यहाँ वैष्णव को देखकर श्री हरिराज जी के शब्द याद आते हैं पर मुझे तो जय जय एक गोकुल में भागवत जी हुई थी जब भी मैंने आपको कहा था कि आपको देख के मुझे हरिराय महाप्रभु जी आपकी नजर में दिखते हैं। वैष्णव को देखकर श्री जी के शब्द याद हैं पर आपकी दीनता देखकर हमें तो आप में श्री हरिराय महाप्रभु जी की झलक दिख जाती है। इस ब्रजभूमि के लीला रसलों को आपने जो दर्शन कराया उसके लिए अकोला मंडल आपका सदैव ऋणी रहेगा। हम विशेष आभारी है जय जय श्री के साथ विभिन्न सेवाएं देने वाले सेवाभावी वैष्णव की जिनकी अखंड मेहनत से यह कार्य संपन्न हुआ। भावेश भाई अशोक भाई उमेश भाई वो पूरी टीम के अन्य सेवाभावी वैष्णव से पिछले 3 महीने से इन लोगों के साथ तक संपर्क में आया हूँ। जब भी फोन करो हाँ सुशीलाबेन हो जाएगा चिंता मत करो हो जाएगा यही जवाब होता था। यह सब एक परिवार जैसा लगता था क्योंकि यह सब वैष्णव
जन हर प्राय हर मनोर के साथ होते हैं और प्रभु करे ऐसे ही इन सबका साथ हमेशा मिलता रहे। कैटरिंग की भी सुंदर व्यवस्था थी, लगता है जय जय व उनकी टीम ने यह व्यवस्था करने के लिए कितना श्रम लिया होगा। इस बार कुछ वैष्णव के लिए यह अनुभव एकदम नया था, कुछ के लिए ब्रजभूमि नई थी, अनुभव के लिए कुछ पुष्टि मार्ग नया था अनुभव, लेकिन सभी यहाँ से भक्ति रस में भीज कर जाते हैं और श्री बल्लभ के हो जाते हैं। सभी कह रहे थे कि हमने कुछ नया अलौकिक अनुभव मिला है और हमें हमेशा साथ जोड़े रखना। मेरी यमुना मंडल की प्यारी सखियों का तो क्या कहना, क्या मेरे हर मन में हर सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, उनके बिना तो मेरा कोई मनोर संभव हो ही नहीं सकता। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम सभी महत भाग्यशाली है जो हम सब बल्लभ कृपा से इस ज्ञान यज्ञ व ब्रज दर्शन यात्रा के सहभागी बने, हमेशा बनते रहेंगे और बल्लभ का आशीर्वाद लेते रहेंगे। इतना कहकर मैं मेरे वाणी को चरण ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और मेरे बोलने में कुछ गलती हुएंगी क्योंकि मन में घबराहट तो बहुत चल रही, फिर भी मैंने हिम्मत करके जो कुछ बातें कही उससे आप क्षमा करना दीजिए और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत प्रेम है, अब मुझे बिछड़ने का दुख हो रहा है कि पता नहीं कब मुलाकात होगी, वो तो बहुत लेट हो जाएगा 24 तक। और मुझे जिस दिन वरेण्यम बाबा का वचनाम सुनी उसी दिन मेरे मन में एक संकल्प हुआ, 3 दिन के लिए उनको अकोला पधराए और उनको मैंने आज पूछा भी कि आप कौन से विषय पे बोल सकते हो 3 दिन के लिए आप पधारो करके। तो देखो जय वरेण्यम बाबा आएंगे तो आपसे भी पधारेंगे, कभी कोई ना कोई आपसे तो पधारेंगे क्योंकि इस परिवार से मुझे भी इतना ही लगाव है कि जब तक मेरी एक दो बार मुलाकात नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता बाप रे कितने साल हो गए, क्या होएगा कैसा होएगा। तो जय जय बस ऐसे ही आपकी कृपा आपके आशीर्वाद हमको मिलते रहे, यहीं से मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी को भगवत स्मरण। बंधुओं अभी आरती होगी और आरती के बाद आप सब यहाँ पर बैठे रहेंगे क्योंकि जो वैष्णव आज के मनोरथी हैं तपेली के, बैठक जी की तपेली के और यहाँ की तपेली के, वो उनको आप श्री आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही कल चंद्र सरोवर पर बैठक जी पर तपेली है, जो भी वैष्णव चंद्र सरोवर में श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री गोसाई जी की बैठक, श्री गोकुलनाथ जी की बैठक और चंद्र सरोवर पारासोली का जो है बहुत ही सुंदर इतिहास रहा है। चंद्र सरोवर में श्री गोसाई जी 6 महीने तक विप्रयोग किए हैं, चंद्र सरोवर में श्री ठाकुर जी ने महारास किया है, तो ऐसी महारास स्थली पर कल बैठक जी पर जो है तपेली जो भी भाग्यशाली वैष्णव कराना चाहें वो जो है अपना नाम कार्यालय में सकते हैं। बोलो बल्लभाधीश की जय। टिफिन वगैरह सब 2 बजे अपने 1:30 बजे रूम में आ जाएंगे सबके और 2 बजे राइट यहाँ से गाड़ी में बैठना है कि अपनी गाड़ी 4:30 बजे है वहाँ से, इसीलिए सभी अकोला वालों को अभी मैं बता देता हूँ। आरती के लिए चिमन भाई फलदू एवं उनका परिवार एवं अकोला वैष्णव मंडल की बहनें, बाकी वैष्णव बैठे ही रहेंगे, आप बैठकर ही जो है आरती के दर्शन करेंगे, आज उठने की तकलीफ ना करेंगे। मनोरथियों को भी जो है आप श्री के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आप सब यहीं बैठे रहें, जो तपेली के मनोरथी हैं सभी यहां पर बैठे रहेंगे। बोलो वल्लभाधीश की जय। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला,
श्रवण में कुंडल जल काता नंद के आनंद नंद लाला भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जय गिरिधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट भिन से देवता दर्शन को तल से गगन से सुमन राशि बर से बजे मूर्चंग मृदंग मधुर ग्वालिनी संग अतुल रसी गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन बेणु बेणु चहुदी से गोपी ग्वाल धेनु धेनु हसत मृदु मंद कटत भव फंद चांदनी चंद तेर सुनु दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपाणि ज हस्त माथ जे जन शरण आए सोपत श्री गोवर्धन नाथ परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भव धारावय जात जो कृष्ण दास काज सब सरहि जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपानिज करत कृपानिज करत कृपानिज हस्त देमाद श्री वल्लभाधीश की जय। अब मंच पर पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। 9:30 बजे आप श्री की अध्यक्षता में परिक्रमा आरंभ होगी गिरिराज जी की। सभी वैष्णव प्रसाद लेकर यहीं आ जावें। श्री बल्लभ चौक में यहीं से जो है परिक्रमा 9:30 बजे प्रारंभ होगी। सुशीला बेन आकोला अपनी तीनों सहेलियों सहित पधारें। एवं भारती बेन यूएसए भारती बेन यूएसए साढ़े नौ बजे परिक्रमा प्रारंभ होगी आप श्री की सानिध्य में यहीं से। आप सब प्रसाद लेकर यहीं आ जाएंगे। 9:30 बजे परिक्रमा यहीं से प्रारंभ होगी। आप प्रसाद लेकर यहीं आ जाएंगे। सुशीला बेन दिया ना भारती बेन यूएसए मेरे पास नाम नहीं है उसका लिस्ट में।
भारती बेन यूएसए, सुधाजी महेश्वरी अगर यहां पर हो तो आशीर्वाद लेने के लिए पधारें। सुधाजी महेश्वरी, डॉक्टर सुधाजी महेश्वरी मुरैना। इन्होंने यात्रा में बहुत सेवा दी है। सुधाजी महेश्वरी मुकाम पर जिन्होंने आज तपेली करवाई है, भीकू भाई साह कोचीन, श्रीमती लक्ष्मी जी पवन सिंह जी डंडोतिया मुरैना, श्रीमती लक्ष्मी जी पवन सिंह जी डंडोतिया मुरैना यहां पर उपस्थित हैं, तो आप श्री का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पे पधारे हैं। जागेश भाई चंद्राना अहमदाबाद, वैष्णव मंडल मस्कट, जयेश भाई सुरेजा, मधुजी सोनी, विपुल जी संगम सूरत, मधुजी सोनी अगर यहां पर नहीं हो तो उनकी अनुपस्थिति में उनके कोई भी प्रतिनिधि आकर यहां आशीर्वाद ले सकते हैं। सभी मेरे बाद नाम शिल्पा बेन दिलीप भाई मोरवी, कुंज बिहारी जी महेश्वरी, खंडेलवाल परिवार शिवपुरी, डंडोतिया जी इधर आ जाओ। उन्होंने चंद्र सरोवर पर तपेली बोली है। वैष्णव मंडल सूरत, शिल्पाबेन दीपक भाई मोरवी, कैलाश नारायण जी, सुरेश जी, अशोक जी, रवि जी मुरैना। आज हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं मनसुख भाई कड़वा भाई सूतरिया, रमेश भाई बेलजी भाई पटेल, हर्षुक भाई परसोत्तम भाई लाखाणी। परिक्रमा यहां से प्रारंभ होकर यहीं पर समाप्त होगी। परिक्रमा यहां से प्रारंभ होगी और यहीं पर पूर्ण होगी। आज जिन्होंने मुकाम पर तपेली करवाई है, यमुना सत्संग मंडल सूरत, झवेर भाई राजा भाई भंडेरी गुंदासरी, झवेर भाई राजा भाई भंडरिया गुंदासरी,
चंद्र सरोवर पर कल जिनकी तरफ से तपेली है, हरेश भाई, गोवर्धन भाई, सागाणी, रानाला, विपुल भाई, गोवर्धन भाई सागाणी, धीरू भाई सोनी अहमदाबाद, धीरू भाई सोनी अहमदाबाद, मोनाबेन राजकोट, हस्ते शिलाबेन, मनोरथी केवल यहां पर रहे, चरण स्पर्श भार होंगे, केवल मनोरथी जिनका मैं नाम बोल रहा हूं वही आवे, अपने परिवार के एक सदस्य को भेज दें, वो आशीर्वाद ले जावे। मोनाबेन राजकोट